Thanks a lot for the kind invitation again to the team HRDC, Dr. Preeti from Nagpur University. It's always a pleasure to be with you, and let's focus on that particular topic which have been assigned to me by the team HRDC. First is academic writing. The first lecture we'll be discussing on the academic writing. So पहली बात जो हम कहें कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक इंटीग्रिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रिटी या चरित्र जिसे कहें, ओवरऑल हर चीज में जो हमारा जो करेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, किसी भी क्षेत्र में रहे हम। अरे मैन ऑफ करेक्टर एक कही जाती है ना हर एक चीज में, कि भाई उस बंदे में अपने उसूलों वाला बंदा है, अपने करेक्टर पर टिका रहने वाला बंदा है, हर क्षेत्र में कहते हैं। तो नाउ एकेडमिक के फील्ड में इंटीग्रिटी को कहे के अकादमिक सत्यनिष्ठा, जिसे हिंदी में कहेंगे हम। तो अकादमिक सत्यनिष्ठा किसे कहते हैं, उसका स्कोप क्या है, किन किन चीजों में वो लागू होता है, कैसे हम उसको मेंटेन कर, क्या हमें नहीं करना है और कैसे हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ये आज सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूं हमारे डिस्कशन में, और कहीं पर भी कोई भी आपको शंका हो प्लीज डू लेट मी नो एट दैट मोमेंट, उसी समय बात कीजिएगा। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम एक स्पेयर पूरा डिस्कशन का टाइम में ही बात करेंगे, कहीं पर भी बात हो तो एट दैट टाइम हम उसको थोरो टाइम पे, हम पूरे रियल टाइम में हम टू वे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आपका स्वागत। मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय यूनिवर्सिटी। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है, इट इज देयर इन दी नियर द लैप ऑफ हिमालयस, वी आर हेयर ऑन द वे टू बद्रीनाथ। व्हेन यू मूव, जब आप जाते हैं ना बद्रीनाथ की तरफ ऋषिकेश से, तो एक मिडवे टाउन पड़ता है उसको श्रीनगर, तो इन श्रीनगर टाउन में जो है ये यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है। सो आई वेलकम यू ऑल। नाउ विद दी ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड बद्री विशाल, श्री बद्री विशाल की कृपा आप सब पे बनी रहे। देखिए हम तो भाई उत्तराखंड देवभूमि के हैं, तो बाबा केदार का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ हम प्रारंभ करते हैं अपना, श्री गणेश करते हैं, एकेडमिक इंटीग्रिटी, अकादमिक सत्यनिष्ठा, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम, व्रत मतलब करेक्टर, करेक्टर की बात की, उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी है, दिस इज द की मैसेज। सो हमेशा की बात जो है, मेरी एक स्लाइड स्टैंडर्ड होती है, द नाइन करेक्टर्स ऑफ गुरु, देर आर नौ लक्षणा की बात होती है। शिक्षक बनना बहुत आसान है, प्रभु गुरु बनने के लिए तपस्या लगती है, उसके लिए हमें नौ लक्षण, शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, श्रुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही और जिज्ञासु। और पहली चीज ही क्या है, करेक्टर, जिसको आज हम बात करने वाले हैं, शुचि। शुचिता अपने अंदर हो हर कार्य को करने की, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और गुरु बनने के लिए करेक्टर, यू मस्ट बी द मैन ऑफ करेक्टर, यू मस्ट बी द वुमन ऑफ करेक्टर, अपने को के चरित्र को ऐसा बनाना, शुचिता ऐसी बनाए रखना कि हम एक आदर्श हों दूसरे के लिए, कम से कम अपने को मिरर में अच्छे से देख सके। तो क्या इन बातों को हम करने जा रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि कम से कम जो हम चीज लैक करते हैं या लगता है कि हमें इसमें हमें काम करना चाहिए, उस एक एक गुण को उठाकर उस पर काम करना आज ही से प्रारंभ करें, गुरु बनना है तो। नो, पर आर द एथिकल प्रैक्टिसेस, ना एथिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज एसेंशियल इन एवरी काइंड ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी। कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा बुरा, हर तरह की एकेडमिक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ कारक हमारे को चाहिए, कुछ ना कुछ कारक हमारे पास है कि भाई हम जो है किसी ना किसी नियम कानून से बंधे हैं ना, तो चाहे हम बात करें कि हाँ भाई, कि भाई इतनी बात हमारी होनी है कि क्या सही है क्या गलत है उसकी विवेचना, तो वो जो विवेचना वाली अगर मैं बात करता हूं,
वो एथिकल प्रैक्टिस। और कभी भी कोई चीज जब गलत होती है ना, तो हम तुरंत ये कहते हैं कि हाँ वॉयलेशन, क्योंकि जो डगर है, जो सीधी राह हमें दिखाई दी उससे अलग इतर कुछ भी दिखता है तो वॉयलेशन हमको प्रतीत होता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी से बड़ी एडवांस और सो कॉल्ड मॉडर्न कंट्रीज में भी करेक्टर का, अगर लीडर करेक्टरलेस है या उसका करेक्टर का कुछ ऐसा माल फंक्शनिंग कहें वो हो जाती है, तो वो भी उसको स्वीकार नहीं करते, इजंट इट, चाहे वो कितने भी मॉडर्न हो, सो कॉल्ड मॉडर्न। मतलब आदर्श चीज तो मेरे लीडर में मेरे को चाहिए ही चाहिए। हम समाज में, जबकि हमारा जो भारतीय समाज है वो चाह देखता है, हर एक व्यक्ति में एक लीडर देखता है, हर खासकर शिक्षक एक आदर्श लीडर होता है। वो नेतृत्व तो क्षमता और नेतृत्वता के लिए, जब आप इतने लोगों को, इतने स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं एकेडमिक्स के लिए, तो आपको जो है एक शुचिता आपके अंदर, मेरे अंदर होनी अत्यावश्यक है। ठीक, वो टीचिंग एंड रिसर्च और हर डोमेन में लागू होती है, प्रोफेसर रजत अग्रवाल कहते हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट, प्रोफेसर रजत अग्रवाल हैं आईआईटी रुड़की के मेरे एक अच्छे गुरु, मेरे मित्र और मेरे मेंटोर समझ लीजिए आप। तो उनका कहना है कि प्रोफेशनल जो अचीवमेंट है, जो भी हम अचीवमेंट करते हैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड कंटेंट। ऐसा माना जाता था कि भाई आप किस पोजिशन पे बैठे हो, क्या आपकी डिग्रियां हैं, क्या नॉलेज है आपके अंदर। लेकिन अब एक और टर्म जुड़ गया, एथिक्स, यानी प्रोफेशनल अचीवमेंट आपका फंक्शन है पोजीशन, कंटेंट और एथिक्स। आपका एथिकल वैल्यू क्या है, आप किस एथिक्स वाले हैं कि नहीं, अगर ये चीज छूट गई तो पोजीशन एंड कंटेंट भी साथ में चल, सब खत्म हो जाता है। जैसे जीरो है ना, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई जीरो से कर दो तो सारी चीज जीरो हो जाती है, दिखने में आपको कुछ ना लगता हो एथिक्स, अकेले भले आपको कुछ ना लगो लेकिन पोजिशन एंड कंटेंट को भी साथ लेके चला जाएगा अगर एथिक्स में कमी आए। सो डिफरेंट एरियाज ऑफ एकेडमिक्स हमारे क्या है, सारे जो अकादमिक जितने भी क्षेत्र हैं उनके अपने अपने डिटेल स्पेसिफिक गोल्स हैं, एथिक्स हैं, बट इनका जो ओवरऑल सबका जो एथिकल गाइडलाइंस है वो अलाइंड है, ओवरऑल होलिस्टिक होगी तो एक ही ऐसी क्या सही क्या गलत है वो हमें पता तो है, लेकिन उनका स्कोप अलग अलग है ना। टॉकिंग अबाउट दी एकेडमिक इंटीग्रिटी, भाई कितना क्या चीज, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, स्कोप क्या है, पहली बात बेसिक एथिक्स क्या सही क्या गलत है वो जो हर एक व्यक्ति जानता है ना। साइंटिफिक कंडक्ट रिसर्च में अगर मैं कहूं, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है, फॉल्सिफिकेशन क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, रिडंडेंट पब्लिकेशन क्या है, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें जो है साइंटिफिक मिसकंडक्ट, साइंटिफिक कंडक्ट एकेडमिक इंटीग्रिटी का पार्ट है। इन चीजों को ना करना, पब्लिकेशन एथिक्स, पब्लिकेशन में एथिक्स का पालन होना, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रिटी, पढ़ने और पढ़ाने की जो लर्निंग की, जो हमारी पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसमें डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, चाहे मैं उसकी बात कहूं कि समयबद्ध ढंग से अपने कोर्स को पूरा करना, समय पर अपने कक्षाओं को लेना, इवेल्युएशन इंटीग्रिटी, किसी चीज को हम इवेल्युएट कर रहे हैं कॉपीज को तो उसमें नीर छीर के विवेक के साथ उसको करना, ये सारी चीजें जो है एकेडमिक इंटीग्रिटी का पार्ट। खाली ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट नहीं किया पेपर में, नहीं होना चाहिए, खाली वो इंटीग्रिटी नहीं है भाई, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, बस ये खाली एकेडमिक इंटीग्रिटी वहीं तक सीमित नहीं है, इसका होलिस्टिक ओवरव्यू बहुत बड़ा है। गलत आप कुछ कहीं कहे जाते हैं तो वो उस परिभाषा में, परिवेश में उसमें आ जाता है। अब छोटी सी बात लेते हैं, एथिक्स और वैल्यू अंतर क्या है दोनों चीज। एथिक्स क्या है, नॉर्म्स फॉर कंडक्ट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब क्या स्वीकार रहे हैं क्या अस्वीकार रहे हैं। तो वो जो नियम कानून है जो डिस्टिंग्विश करते हैं स्वीकार्यता में और अस्वीकार्यता में के बीच में, उसको कहते हैं हम एथिक्स, एंड दे आर यूनिवर्सल। झूठ ना बोलना, हमेशा सच का सच बोलना, इन चीजों पर अगर मैं कहूं, जीव हत्या ना करें, जीव हत्या पाप है, दिस इज द स्टैंडर्ड एथिक्स, इजंट इट, ये सब जगह यूनिवर्सल है अगर कहें। लेकिन वैल्यू क्या है, द प्रिंसिपल एंड आइडियाज दैट हेल्प देम इन मेकिंग जजमेंट एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, किसी परिस्थिति विशेष में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू है। कभी कभी वैल्यू में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एथिक्स के अगेंस्ट भी हो सकता है,
वैल्यू इज अबाउट प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या है सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन सिचुएशन। वैल्यू इज अवर व्यू पॉइंट एंड दैट डिटरमाइंस अवर बिहेवियर ऑन सर्टेन सिचुएशंस, और ये हमारी सर्टेन सिचुएशंस में बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। एथिक्स डिफाइन करता है व्हाट इज राइट, कि क्या सही है। वैल्यू ये बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी आपने, राजा परीक्षित की कहानी होगी, क्यों बोलते कि जो है एक वो उसमें कहानी आती है कि जो है कि ऋषि जा रहे थे, कि ऋषि के उन्होंने जो गुस्से में किसी के जो है, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट कि सॉरी मैं थोड़ा ध्यान भटक गया था, मेरा कोई बालक मेरे डोर पे आया था। अरे एनीवे, तो वो कह रहे कि हाँ कुछ ऐसा प्रकरण था कि क्या बोलते हैं राजा जा रहे हैं, राजा जा रहे हैं, और क्या बोलते कुछ ऐसा होता है कि जो है वो जीव जो है कहीं पर गया है, कि वो सब इधर को गया है, तो उसको बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हाँ भाई वो उधर नहीं गया है। कहने का मतलब यह है कि जीव की किसी को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाता है तो वो भी ठीक भाई उसने झूठ बोला, लेकिन ओके वो जीव को बचाने। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसका विपरीत एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। लेकिन हमारा पूरा बायोमेडिकल का जो फील्ड है, पूरा मेडिकल का फील्ड है, वो एनिमल सेक्रीफाइस करता है भाई। हमें मानव पे टेस्ट करने से पहले या मानव पे को देने से पहले हमें उसको एनिमल्स पे टेस्ट करना है। तो मानव जीवन को बचाने के लिए हमें जीव हत्या भी करनी पड़े तो वो सही है, वो क्या है, वैल्यू है, वो वैल्यू है, वैसे जीव हत्या पाप है, लेकिन उस रैट्स को हमें सेक्रीफाइस करना हो। अब एथिकल पॉइंट वहां पर आता है कि भाई सेक्रीफाइस तो हमें करना ही है, तो उसको कम से कम पेन हो, तब जब हम उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे सबसे कम से कम उसे दर्द मिले, तो दैट इज वो पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब है कि परिस्थिति जन्य कारकों से कोई चीज सही और गलत का विवेचना करना वैल्यू है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सही क्या गलत है, हर चीज हर परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज बिल्कुल सही है। मतलब जो सही चीज भी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हो सकता है वो भी जो है उस परिस्थिति में प्रायोरिटी ना हो, प्राथमिकता ना हो। तो ये थोड़ा बहुत समझने का जरूरत है कि हमारे अपने फील्ड के हिसाब से एथिक्स और वैल्यू में क्या फर्क है, और उनकी गाइडलाइंस है ज्यादातर की क्षेत्र में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है मेरे बायोमेडिकल फील्ड में ये चलता हो लेकिन आपके यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई आप बुद्ध की उस बात कर रहे हैं, आप बुद्ध की दीक्षा की बात कर रहे हैं, इतिहास में पढ़ा रहे हैं, वो मेरे बायोमेडिकल के उसके एस्पेक्ट से एंटायरली डिफरेंट होगा। तो अपने अपने फील्ड के हिसाब से एथिक्स और वैल्यू डिफर करते, एथिक्स तो यूनिवर्सल होंगे, वैल्यू डिफर करते, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एथिक्स और वैल्यू, ये समझने की जरूरत है। नाउ एथिक्स इन रिसर्च, एक बुक है साहब, जब आप यूजीसी की वेबसाइट खोलते हैं टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे, ई बुक्स करके लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो बुक आपको दिखेगी जो दाएं हाथ आपको दिख रही है, ठीक है, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो बुक है यूजीसी ने सितंबर 2020 में रिलीज की थी, तो बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। यूज ऑफ ऑनेस्ट एंड वेरीफाइबल मेथड्स, मतलब हम जो है एक ईमानदार मेथड्स, वेरीफाइबल मेथड्स को यूज करें रिसर्च को प्रपोज करने में, मतलब रिसर्च का आइडिया प्रपोज करने में, परफॉर्म करने में, इवेल्युएट करने में, रिसर्च को रिपोर्ट करने में, हम रूल्स गाइड रेगुलेशन और गाइडलाइंस का पालन करें और फॉलो करें कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोड्स ऑफ नॉर्म्स, तो इन सारी चीजों को बात करती है। साथ में इसको जरूर आप पढ़िएगा, एक बार डाउनलोड कीजिएगा, मैं एक आपको लिंक भी दूंगा जिसमें सारे कंपाइल्ड लिंक्स आपको मिलेंगे। नाउ कमिंग बैक, कि इस बुक में कुछ मेजर तत्व है जो बहुत अच्छे ढंग से बात किए गए, कि एथिक्स पहली चीज उसने कहा है, एथिक्स क्या एथिक्स है, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत आपको अभी बताया भी एथिक्स और वैल्यू के रेफरेंस में, रिगर कितनी शिद्दत के साथ कितने रिगरली उसको फॉलो करना चाहिए, क्या चीज रेलेवेंस, रिसर्च का रेलेवेंस है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, रेस्पेक्ट टू क्या, टू कल्चरल प्रेफरेंस, टू सोसाइटल प्रेफरेंस, मतलब मैं कोई ऐसी बात, हो सकता है हरियाणा यूपी में वो बात नॉर्मल हो, वो बातचीत में वो बातें नॉर्मल हो जो आपको इनवेडिंग लगे जब मैं साउथ में जा रहा हूं या महाराष्ट्र में बात कर रहा हूं, इजंट इट, क्योंकि मेरी भाषा के हिसाब से वो चीज हो सकता है वो नॉर्मल हो, लेकिन आप वहां अगर जाते हैं तो वो इनवेडिंग हो। तो रेस्पेक्ट टू ऑल कल्चरल्स,
तो कोई भी रिसर्च में ऐसे तत्व तो ना डाला जाए जो इसको इन्वेड करता हो, एनॉय करता हो, एनॉइंग हो, किसी को परेशान करने वाला हो, इम्पार्शियलिटी होना, ये सारे तत्व तो साहब एथिक्स के, वैल्यू के, इम्पार्शियल होना, मेन वीमेन, जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से, अनबायसनेस होना, इंडिपेंडेंट होना, अपने में एक स्टडी इंडिपेंडेंट हो, अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी किसकी है रिसर्च की, वो आपकी है, इसलिए आप अकाउंटेबल ढंग से चीजों को पेश करें। केवल हवा खड़ा करने के लिए कोई वेग सा स्टेटमेंट दे देना वो एथिक्स नहीं है। मतलब देखिए करते हैं ना, अब जो रंगमंच के नाट्य पात्र हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड वाले हैं, तो उनको तो लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सा स्टेटमेंट दे दो तो अपना लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन वी द टीचर्स एकेडमिक्स में लाइमलाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि हम सत्य के साथ रहें, सही चीज, एथिक्स और वैल्यू के साथ रहें। तो वी हमारे साथ एथिक्स और वैल्यू बनते हैं भाई साहब, हमारे साथ कोई ब्रांड तो बंधा नहीं है ना कि हमें इस ब्रांड का प्रचार करना है, ये करना है, हमें हमारे पास एक जो ब्रांड है वो विश्वविद्यालय का, या फिर ये कहें कि उस एकेडमिक वैल्यूज का ब्रांड है जो हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ देना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है इन चीजों को, ये ना अपने साथ जैसे सांसों में चीजें चलती है ना, वैसे हमारे अंदर आ जाती है, आने लगती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कुछ चीज नहीं आ रही है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको अपने साथ लाने की। योगी लोग जब करते हैं ना, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एथिक्स एंड वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, वहां परिवार में पूजा साधना पद्धति का जो है एक बड़ा मान है, कर्मकांड का बड़ा मान है, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिस ये भर देती है कि हम सांसों के साथ ही मंत्रों का जाप चलता रहता है। व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम एक्चुअली आई एम डूइंग दिस, वो सांसों के साथ मेरे वो मंत्र चल रहे हैं, मैं जप कर रहा हूँ साथ साथ, मेरे सांस लाने और जाने के साथ वो इंडिपेंडेंट चल, जैसे सांस में आपको ध्यान नहीं देना पड़ता ना, तो ऐसे ही वैल्यू एंड एथिक्स है। आप चाहें ना चाहें आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप चाहें भी तो किसी का बुरा नहीं कर सकते, ये अपने अंदर आ जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग वैल्यू एंड एथिक्स, एंड दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम खाली अकेले नहीं है, हमारा एक एक कृत्य, हमारा एक एक मूवमेंट हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है, वो उसे परसीव करते हैं, हम उसके रोल मॉडल हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चा जो देखता है वो सीखता है घर में, और हमारा घर हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, तो एक्चुअली हमारा हर एक कृत्य, वास्तविकता क्या है कि हमारा एक हर एक कृत्य, हर एक बॉडी लैंग्वेज, किस चीज को हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, उसका कई गुना जो है रेस्पॉन्स होता है हमारे स्टूडेंट्स में। तो लाइटली ना लेना उस चीज। नो फ्रेमवर्क फॉर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस की बात करें, जब हम एथिक्स को रिसर्च में हम बात कर रहे हैं, रिसर्च डिजाइन, कंडक्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का डिसेमिनेशन, इन सभी तत्वों में एथिक्स एंड वैल्यू का पालन होना। रिसर्च मिसकंडक्ट की अगर हम बात करें, जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं, मान लिया किसी भी तरह का, चाहे शोध करें चाहे कोई भी चीज हम रिपोर्ट बना रहे हैं, डेटा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, मिसहैंडलिंग ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फैब्रिकेट करना, किधर का डाटा किधर चिपका दिया, कहीं झूठ बोलकर कोई डाटा डाल देना, कोई डाटा हटा देना, रिसर्च का सब्जेक्ट चाहे वो इक्विपमेंट है चाहे वो एनिमल है उसको मिसहैंडल करना। मैंने आपको बताया ना, मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूं, यू वोंट बिलीव, व्हेन आई डिड माय, मैं पोस्ट डॉक में जब जापान में था, तो वहां ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं एनिमल एथिकल कमिटी वगैरह की, तो व्हाट वी डिड, आई सेक्रीफाइस मोर देन 500 रैट्स, मतलब 500 से ज्यादा चूहों मैंने सेक्रीफाइस किए वहां पर। मैं जो है एक एंटी स्नेक विनोम एक्टिविटी पे काम कर रहा था। नहीं, मेरा मकसद बताने का क्या है कि व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दी लैब जहां पर वो रैट्स रखे थे, और मुझे उसे उनको सेक्रीफाइस करने का सिंपल तरीका बताया गया, तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म का एक हम जार बनाते हैं बड़ा सा, और उसमें टिश्यू पेपर में क्लोरोफॉर्म से इम्प्रेगनेट कर देते हैं, और उस रैट्स, रैट्स नहीं कहूंगा माइस कहूंगा, रैट्स तो बड़े होते हैं, माइस जो होते हैं उनको पकड़कर उनको प्यार से उनको अंदर डाल दिया जाता है। जब एक्टिविटी हमें देखनी होती है उसकी, हमने परफॉर्म कर लिया प्रैक्टिकल, अब मुझे उसको पोस्टमार्टम आप जैसा समझे आप वो करना है, तो मुझे पहले उनको सेक्रीफाइस करना है, तो उनको जार में चार पांच को एक साथ डाल दिया जाता है, ऊपर ढक्कन लगा दिया जस्ट लाइक ए गैस चैम्बर। तब उस ट्यूटर ने मुझे क्या सिखाया, जब उसने उसको ढक्कन रख दिया, उसके बाद उसने हाथ जोड़े, मैं
बिल्कुल हमारी तरह उसने नमस्कार किया, मतलब वो सद्गति मिले, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये एथिक्स है। देखिए वैल्यू तो मजबूरी है कि मुझे करना है ये काम, तो उसको सेक्रीफाइस करना है, कम से कम पेन हो। लेकिन एक बात ही, जो पेन देने की बात है ना, वो चाहे तो उसके गर्दन यूं पकड़ के यूं मोड़ सकते थे, करते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करते। हमारे वैल्यू एथिक्स सिस्टम में जो हमारा जो कल्चर है वो हमेशा ये बताता है कि अगर सेक्रीफाइस करना भी हो तो पेन कम से कम हो, दैट इज कॉल्ड यूथेनेसिया। तो उस चीज का पालन करना हर क्षेत्र में ये जरूरी है ना। दूसरा प्रकरण एक, अगर मैं एकेडमिक इंटीग्रिटी के रेफरेंस में कहूं, रिसर्च के रेफरेंस में कहूं, ऑथरशिप, कि भाई लेखक कौन होगा, हु विल बी द ऑथर, ऑथर कौन कौन होगा, फिर उनका सीक्वेंस क्या होगा, भाई कौन फर्स्ट ऑथर बनेगा, कौन करस्पॉन्डिंग ऑथर बनेगा। इस चीज का बड़े अच्छे ढंग से शुरुआत में ही डिसीजन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में जो है डिसाइड कर रहे हैं, अरे यार मेरा एक मित्र है, उसको हम उसने मेरे बेचारे ने बहुत काम किया, उसका नाम भी डाल देते हैं। देखिए रिसर्च वर्क गिफ्ट देने या लेने का नाम नहीं है, रिस्क ऑफ गिफ्ट ऑथर से आप जानते नहीं है, किसी और का किया हुआ कौन जाने आपको क्या भुगतना पड़े। ना गिफ्ट लेना है ना गिफ्ट देना है, ऑथरशिप दो, ऑथरशिप के रूप में गिफ्ट ना ले ना दे। एक नया चलन चलन पड़ा है, तुम 10,000 रुपए दे दो, तुम मतलब इतने डॉलर दे दो, इतने डॉलर दे दो, और लोग बाग जो है मल्टीनेशनल, कोई इजिप्ट में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, और एक पेपर बन रहा है 5 पेज का 10 पेज का रिव्यू, हाई इंपैक्ट में छप गया। सावधान रहिए, ऐसी एक्टिविटी से हाई इंपैक्ट के पेपर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा अगर कोई जांच करने वाला या कमेटी में ऐसा व्यक्ति बैठा होगा, क्योंकि आप ये कमोडिटी नहीं है रिसर्च जिसको आप खरीद सकते हैं, आप खरीद रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल है ऐसी चीजें, ये धंधा है, ये बिजनेस है, चल रहा है। लेकिन धंधे तो साहब बहुत है, तस्करी भी है, मदिरा का भी धंधा हो रहा है, ड्रग्स का धंधा भी हो रहा है, तो क्या हम उस बिजनेस में भी जाएंगे जहां फायदा हो रहा है, और ज्यादा फायदा है भाई वहां चले, हम क्यों नहीं जाते, कुछ तो सही और गलत है ना। तो हर बिजनेस को पीछे हम भागेंगे, ये तो हमारी एथिक्स ऑफ वैल्यू अलाउ नहीं करती। नेवर यूज ऑथरशिप, कभी ऑथरशिप को ग्रीजिंग के लिए यूज ना करें। अरे भाई प्रमोशन होने वाला, डीन साहब का नाम भी डाल देते हैं, ठीक है, प्रमोशन होने वाला, प्रिंसिपल का नाम भी डाल देता हूं अपने पेपर में, जो मेरिट में है, जिन्होंने काम किया, केवल उनका नाम ऑथरशिप में होगा, दैट्स इट। प्रिफरेबली जो काम लैब में कर रहा है, ही शुड और शी शुड बी द फर्स्ट ऑथर, आपका रिसर्च स्कॉलर फर्स्ट ऑथर होना चाहिए। कुछ लोग उसको ये दिखाते हैं, कई बार मैंने देखा बहुत सीनियर प्रोफेसर भी फर्स्ट ऑथर हैं, करस्पॉन्डिंग ऑथर रही है ना, क्या दिक्कत है, फर्स्ट ऑथर का क्रेडिट बच्चे को दीजिए, रिसर्च स्कॉलर को दीजिए, दैट मुझे लगता है कि ऐसा ही ज्यादातर जगह ऐसा ही प्रैक्टिस किया जाता है। सीनियर ऑथर हमेशा बैक बेंच पे रहता है, बैक में रहता है, वो लीडिंग ऑथर होगा, लेकिन फर्स्ट ऑथर चांस रिसर्च स्कॉलर को दीजिए। यू नो इन दिस रेस्पेक्ट मेनी वाइस चांसलर हैव लॉस्ट देयर चेयर्स, कई अधिकारियों को जो अपनी चेयर खोनी पड़ी इस ऑथरशिप के चक्करों में, कईयों को पता ही नहीं कि उनका नाम है, कईयों ने डलवा दिया किसी और सब्जेक्ट के उसमें अपना नाम, फिर वो पेपर फंस गया कहीं पर, तो पता चला उसका तो कुछ नहीं हुआ जिसने पेपर जो मेन था, लेकिन जो चेयर में होगा नुकसान उसे होगा ना, जो किसी पदवी में बैठा है, बड़े पद प्रतिष्ठा में बैठा है, नुकसान तो उसको होगा ना। तो हो सकता है साहब आपको आज नुकसान ना हो क्योंकि आप किसी बड़े पद पर नहीं बैठे, आपका शुभचिंतक 20 साल बाद जब आप किसी पद पदवी में बैठे होंगे तो वो पेपर लेके आपके सामने या अथॉरिटी के सामने पुट अप कर देगा और आपकी कुर्सी को खींच डालेगा, अभी कुछ नहीं होगा। ये मत सोचिए कि अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं हुआ, मैंने तो पेपर खरीद लिया, क्या हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास हाई इंपैक्ट में आ गया, प्रसन्न हो गया, एसोसिएट बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, अरे साहब वाइस चांसलर बन गए, तब आएगी वो घड़ी जो आपका शुभचिंतक लेके बैठा होगा जन्मपत्री लेकर कि हाँ जी आपने ये काम किया था, वो प्रूफ कर देगा, तब नुकसान होगा। इसलिए कुछ ऐसा काम करना ही क्यों जो गलत है, चाहे भले ही आज उसकी सजा मिले चाहे मिले ही ना, क्यों करना ऐसा काम जिसका आपके दिल में जो हमेशा दुख दुखी लगी रहे कि यार कब कहाँ जो है वज्रपात हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। नाउ एथिक्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, मैंने बताया FFP के नाम से इसको बोला जाता है, सलामी पब्लिकेशन,
सेल्फ प्लेजरिज्म, सेल्फ साइटेशंस, ऑनररी ऑथरशिप, कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट राइटिंग, जैसे मैंने बताया घोस्ट राइटिंग, ठेका दे दिया साहब मेरा थीसिस लिख देना, इतने लाख रुपए लिख, इतना पेपर लिख देना, ये चल रहा है। मैंने कहा नहीं, बिजनेस चल रहे हैं, पेपर लिखा किसी ने, उसने खरीद लिया, पेपर छपवा दिया, ये घोस्ट राइटिंग है। ऑनररी ऑथरशिप, सम्मान देने के लिए ऑथरशिप रख दी खाली, यार चल ठीक है रख दी। चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, पॉसिबल है। सर जी सर काइंडली हाँ टेल घोस्ट राइटिंग वंस अगेन. हाँ घोस्ट घोस्ट व्हाट राइटिंग, इज घोस्ट राइटिंग? देखिए घोस्ट राइटिंग क्या होता है मैडम, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है काफी समय से। ऐसा है, चाइना जो है बीच में लेके आया कैश फॉर पब्लिकेशन पॉलिसी। उसने कहा कि अगर आपके हाई इंपैक्ट में पेपर छपा, हाई इंपैक्ट में अगर आपका पेपर छपा तो आपको 1 साल की सैलरी के बराबर हम पैसा देंगे या प्रमोशन देंगे। उसकी दौड़ में ऐरा गैरा नथु गैरा, जो जिसका भी था, जिसका कोई फील्ड ही नहीं कई बार कोई, और जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, कई चीजों में मतलब एक बाढ़ सी आ गई चाइना। पैसों की कमी थी नहीं, उसका काम जो है कई एशिया के लोगों ने किया, कई इंडियन रिसर्चर्स ने किया और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कई चाइनीज पेपर्स का कोई सर पैर होता ही नहीं है, वो पैसा दे देते हैं और वो घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं। हमारे भारतीय कुछ पीडीएफ के स्टूडेंट्स हैं, कुछ वो है बैठ अपना खर्चा चलाने के लिए उनका पेपर लिख रहे हैं और उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है मोटा, और वो अपना नाम उनका चल रहा बन रहा है वो। और मजे की बात है, जब वो पेपर ऐसा लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है जेन्युइन पेपर तो होगा नहीं, कुछ यहाँ के लोग भी जिनका पैसा है वो अपना पैसा पैसा दे के अपना पेपर लिखवा रहे हैं। मतलब ये वही है कि भाई हायर करना सर्विसेज को, भाई पेपर भी तू ही लिख दे, टॉपिक तू रास, ऐसा नहीं कि डेटा मैंने दिया कुछ नहीं देना, मैंने लिख दिया कि फला एक्स यार ये एक मुझे ना इम्पैक्ट फैक्टर 1 से 2 में मेरे को पेपर ले दे, तो उसने अपना भी टाइटल बनाया बुनाया और छाप के आपको दी। ये ठेका सिस्टम चल रहा है घोस्ट राइटिंग, मतलब घोस्ट का मतलब जिसने लिखा एक्चुअली वो कहीं है ही नहीं, उसका नाम कहीं है ही नहीं, वो पीछे पर्दे के पीछे से लिख रहा है और नाम किसी और का जा रहा है, उसे बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। सो इसी तरह जो प्रक्रम चल रहे हैं ना चीजों में, और अक्सर ये क्या कर रहे हैं, ये ना साइंस का नुकसान कर रहे हैं, हर तरह की साइंस, क्योंकि जाहिर सी बात है डोमेन में जो नॉलेज जा रहा है नॉलेज नहीं है, वो कचरा है, क्योंकि वो तो ठेके पैसे के लिए लिखा जा रहा है, तो जेन्युइन रिसर्च तो है ही नहीं। अब एक तो उसको फायदा हुआ, उस केवल उस बंदे को फायदा हुआ जिसके नंबर नाम से पेपर छप गया, बाकी लोग रिसर्चर ये सोच रहे हैं यार ढंग का रिसर्च है, उन्हें क्या पता कि ये चीज ऐसे, वो उसको साइट कर रहे हैं, किसी और ने उसको साइट किया, तो हुआ क्या कि जो फर्जी पेपर है उसके भी साइटेशन दुनिया भर के हो गए, क्योंकि वो अच्छे इंपैक्ट में पेपर जर्नल था। तो नुकसान साइंस का हो रहा है, ऊपर ओवरऑल उस नॉलेज डोमेन का हो रहा है, दैट इज हॉरिबल। कई ऐसे पेपर रिट्रैक्ट करने पड़े हैं, कराए गए हैं, उनको हटाया गया है जो पाए गए हैं पेपर मिल, ये बोलते हैं पेपर मिलिंग प्रोसेस, उससे बने। और इंडिया में भी कई लोग जो है इस काम पर लगे हुए हैं, कुछ लोग घोस्ट राइटिंग करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड द गेम इज गोइंग ऑन। बच के रहिए इन चीजों से, आज कल कोई भी इस चीज को पकड़ सकता है और आसानी से ये पकड़ में आ सकती है, तो इन कामों को नहीं करना है। चलिए पहली बात करता हूं फॉल्सिफिकेशन की। फॉल्सिफिकेशन जैसे मैंने बताया, मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल्स इक्विपमेंट और प्रोसेस, मैनिपुलेट करना किसी भी चीज को, रिसर्च से रिलेटेड सारी चीजों को, डेटा को कोई हटा देना, ओमिट कर देना, इससे कि रिसर्च जो है एक्चुअली प्रेजेंट हो ही ना कि वो क्या है, रिसर्च रिकॉर्ड को जो है आपने पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया। कुल मिला के कहें कि झूठ बोल दिया आप, ऊट पटांग कुछ भी कर दिए जस्ट टू शो दैट कि रिसर्च मेरी बहुत अच्छी है, ये करने के लिए। दूसरी चीज है फैब्रिकेशन, मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट्स, मैनिपुलेशन, एक्सेजरेशन, हाइडिंग फैक्ट्स, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, सही तथ्य, कोई रिजल्ट ऐसा आया है जो आपको आपकी आपको की स्टडी को जो है क्वेश्चन मार्क कर सकता है, या आपकी स्टडी को आपको लग रहा है यार ये तो सही नहीं, मेरी तो हाइपोथेसिस कुछ और थी, तो आपने वो चीज ही हटा दी जो प्रॉब्लम कर रही थी, वो चीज डेटा ही हटा दिया, हाइडिंग उस फैक्ट को ही हटा दिया, मैनिपुलेट कर दिया, जुगाड़ कर दिया, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। करते हैं लोग और ये समझे जो करने वाले सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो लोग वाकई रिसर्च, बेसिकली मैं एक रिसर्चर, मैं जानता हूं किसने कहां गलती की है। जैसे माँ जानती है ना कि बच्चा जब घर पे आता है कि बच्चे ने आज कुछ गड़बड़ करके आया है या आज पिटाई खाया है टीचर से, वो जानती है बच्चे का चेहरा देख के कि आज स्कूल में क्या हुआ। तो एक अच्छा रिसर्चर
रिसर्च पेपर को देख के ही समझ जाता है कि उसमें कहां गड़बड़ है, गलती। देखिए शिक्षक की नजर तो गलती पे जाती है ना, होता नहीं कि आपको सीधे अपनी कॉपी में गलती दिखती है। हमें आइडिया लग जाता है जो उस फील्ड का होगा। मैं पूरा रिसर्चर की बात नहीं कर रहा कि मैं किसी भी रिसर्च को इवैल्यूएट कर, नहीं, मेरे फील्ड के रिसर्च को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कौन कहां गलत कर रहा है। तो इस मुगालते में ना रहे, इस भुलावे में ना रहे कि कर लेंगे आप गड़बड़ तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात, जब तक पकड़े नहीं गए तब तक कोई बात नहीं, खैर मना लीजिए। नाउ सलामी पब्लिकेशन एक और चीज है, प्लेजरिज्म पे भी आऊंगा थोड़ा सा। सलामी पब्लिकेशन, भाई एक पेपर आप बनाए, स्प्लिटिंग ऑफ डेटा डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल रिसर्च आइडियाज इनटू मल्टीपल स्मॉलर पब्लिशेबल साइज, मतलब एक पेपर स्टडी इतनी थी जिससे एक पेपर ही निकल सकता था, लेकिन आपने उसको छोटी 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 पीस करके दुनिया भर के आर्टिकल बना दिए, मतलब 7-8 आर्टिकल बना दिए। उन पर उन आर्टिकल देखिए, हो सकता है कि एक थीसिस से 2-3 पेपर निकले, 4 पेपर निकले, हो सकता है आपका बड़ा वर्क है, लेकिन आपने 20 पेपर बनाए उससे, और ये जताने की कोशिश करी कि वो डिफरेंट स्टडीज है। उससे क्या होगा कि वो इतने टुकड़े आप कर दें कि उससे जो नॉलेज डोमेन में ओवरऑल रिसर्च की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इट कैन रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ द लिटरेचर बाय लीडिंग और अनसस्पेक्टिंग रीडर्स। रीडर को ये लगता है कि ये डेटा, ये आर्टिकल उस आर्टिकल से अलग है, ये स्टडी अलग है, बेसिकली आपके सब्जेक्ट मैटर एक ही था। आप माने बात को, यानी एक ही एरिया में आपने काम किया, सब्जेक्ट भी आपके सेम थे, आपने स्टडीज ऐसे अलग अलग करी है या पेपर ऐसे अलग अलग छापे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ की गई स्टडीज है, तो आपने ये परसेप्शन गलत दिया। ठीक है, सो आपने ये परसेप्शन दिया थे, तो आपने जब परसेप्शन आप जब गलत देते हैं तो तब दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा बहुत कोविड के टाइम में भी बहुत हुआ, स्टडीज बहुत सारी रिट्रैक्ट इसी कारण हुई। उन्होंने क्या किया कि भाई एक हॉस्पिटल में अगर 24 जनरली का, तो मेडिकल स्टडीज में सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिन लोगों पे काम किया जा रहा है आपको, तो अगर मैं उसको बात करूं कि 24 पेशेंट थे जिसमें से जो है कुछ पेशेंट जो है 8 पेशेंट, या कहें कि 8 पेशेंट लंग डिजीज वाले थे, 8 पेशेंट कार्डियक डिजीज वाले थे, 8 पेशेंट जो है हमारे मान लिया डायबिटिक वाले थे, उन पे कोविड का इम्पैक्ट देखा जा रहा था। गॉट माय पॉइंट? और लगभग सब एक पर्टिकुलर एज के थे, अलग अलग एज। अब आपने एक स्टडी बना दी एज वाइज, ठीक है, और एक स्टडी बना दी तीनों को मिला के, एक स्टडी बना दी खाली लंग डिजीज वालों की, एक स्टडी बना दी खाली डायबिटिक वालों की, 8-8 पेशेंट को लेके। आपने तो एक्चुअली ये दिखाया कि आपकी ये सारी स्टडीज इंडिपेंडेंट है, जबकि वो एक ही स्टडी थी, यानी रिजल्ट का जो कंक्लूजन था वो डिस्टॉर्ट कर दिया आपने। इस तरह की बहुत सारी स्टडीज कोविड के टाइम में 2020, 19-20 में जो बाढ़ आई, 20-21 में जो बाढ़ आई पेपर्स की, कोविड से रिलेटेड पेपर्स के, बायोमेडिकल में बहुत सारे पेपर सैकड़ों की संख्या में रिट्रैक्ट हुए, हटाए गए जो गलत पाए गए। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। नाउ या जस्ट मिनट, होल्ड ऑन ना, ये क्या क्या दिक्कत? क्या मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ स्लाइड, क्या दिक्कत है? ये एनोटेशन का रिक्वेस्ट शीतल जी आपने किया है, किसी ने, इसको स्टॉप कीजिएगा, इसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। एक बार ना स्क्रीन पे क्लिक करिए और नेक्स्ट करके मैं देखिए। कर रहा हूँ, तो मैंने किया ना, बट एक्चुअली ये एनोटेशन का रिक्वेस्ट आया था ना, तो वो गलती से अप्रूव हो गया, तो वो एनोटेशन ऊपर चल रहा है, तो एनोटेशन को बंद करना पड़ेगा। सम पार्टिसिपेंट आई थिंक नेम विद नेम शीतल। मेरे से हो गया था गलती से शायद। हाँ कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, पर इसको स्टॉप कीजिएगा ना, मेरा पता नहीं क्यों, मेरे तो तो मैंने तो स्टॉप कर दिया सर, मेरी तरफ से अच्छा स्टॉप। मैं अच्छा मेरी हाँ रुकिए रुकिए, इसीलिए क्या इसमें, यस या नाउ आई थिंक, रुकिए मैं सर वापस से शेयर स्क्रीन करूँ। ठीक है शेयरिंग ठीक है, बंद हो गया। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ना। चलिए वापस बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं
एथिक्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन में के रेफरेंस में प्लेजरिज्म की, साहित्य चोरी जिसे कहते हैं, द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन आइडिया प्रोसेसेस रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, मतलब बिना श्रेय दिए किसी की चीज को अपना बताकर उपयोग करना अपने पब्लिकेशन के लिए, अपने रिसर्च के लिए या कहीं पर, उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, इसका पहली चीज है जो सबसे मुझे विवादित लगती है, कई लोगों को नहीं समझ में आती है, वो है सेल्फ प्लेजर। भाई अपने ही काम को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, आपका ही फिगर है किसी पेपर में छप गया, आप दूसरे नए पेपर में वापस उसको सीधे वैसे ऐसा यूज नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी होगी उस पब्लिशर से, क्योंकि आपने कॉपीराइट उस पब्लिशर को दिया है, और फिर उसको साथ परमिशन के साथ साथ आपको उसका रेफरेंस देना होगा कि हाँ ये फिगर जो है वहां फला आर्टिकल में छपा था, अडेप्टेड विद ड्यू परमिशन। अब आप कहें अपनी चीज को मैं दोबारा क्यों नहीं यूज कर सकता, ये सेल्फ प्लेजरिज्म का नोट ये भी 2020 में आया है यूजीसी का, इसकी भी मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक प्रोवाइड करूंगा। वो कहता है कि या व्हाट डज सेल्फ प्लेजरिज्म मीन्स, रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल ऑफ वंस ओन प्रीवियसली पब्लिश वर्क विदाउट एडुकेट साइटेशन एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, मतलब प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट या परमिशन लिए बिना किसी चीज को हम वापस रिप्रोड्यूस करते हैं, क्लेमिंग द मोस्ट रिसेंट वर्क, ये क्लेम करते हुए कि जो ये वाला वर्क है जो सबसे नया है वही ओरिजिनल है, आप ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पहले भी ये छप चुका है, तो तब इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रिसाइकलिंग या सेल्फ प्लेजरिज्म, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको मेरा ही काम मैं क्यों नहीं यूज कर सकता, भाई भाई काम तो आपका पीजी का डिसर्टेशन भी था या पीजी का रिसर्च प्रोजेक्ट था, आप उसको जमा किया, आपको पीजी का डिग्री मिल गया, अब आप पीएचडी में नए टॉपिक कहेंगे हम क्यों करें नए टॉपिक, इसी को जमा कर देते हैं, इसी थीसिस को आगे खाली चेंज करेंगे, खाली वापस नाम लिखेंगे, बाकी कर देंगे, नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट क्लेम डबल क्रेडिट फॉर ए सिंगल वर्क, दो बार क्रेडिट नहीं ले सकते ना एक ही काम का, तो इसीलिए सेल्फ प्लेजरिज्म भी यही कहता है कि आप एक काम को किए तो उसका एक क्रेडिट मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, आया आपको समझ में। सो विदाउट गिविंग ड्यू एंड फुल साइटेशन और टेकिंग परमिशन, जब तक आपने अनुमति नहीं ली, क्योंकि पेपर भले ही मेरा है लेकिन मैंने किसी को पब्लिशिंग राइट दिया है ना, कॉपीराइट साइन किया है ना, तो कॉपीराइट का ओनर तो वो है, मैं नहीं हूं, अपने आर्टिकल का, तो मुझे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जो थीसिस में आप दे दिए हो कोई चीज डाल दो उसको करना चाहो तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एज सच ये कॉपीराइट नहीं है, थीसिस में जो आपने लिखा है वो आप बिना परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ, लेकिन जो डोमेन में पब्लिक डोमेन में कोई पेपर है बुक है उसको रीयूज करना एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी कुछ कुछ लोग इसमें दिक्कत में आए हैं, उन्होंने क्या किया, अपना जो रिसर्च पेपर छापे थे उसी को बुक के चैप्टर के फॉर्म में भी किसी को दे दिया, अब वो कॉपी हो गया ना, आपने तो पेपर छापा था, आप उसको वापस उसमें दे दिए, तो दिक्कत है कि नहीं है बताए, तो वो रिट्रैक्ट करना पड़ा, और वाइस वर्सा कुछ लोग किताब में चैप्टर छाप दिए थे वही पेपर में छाप दिए अगले टाइम में उसी पेपर को साथ में, वो भी रिट्रैक्ट हुए, तो कई बार किसी का बुक चैप्टर रिट्रैक्ट हुआ है। इसके बारे में रिट्रैक्शन वॉच क्या है, रिट्रैक्शन वॉच एक वेबसाइट है उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से वो आपको बहुत चीजें बताता है, उनका अपना रिट्रैक्शन का डेटाबेस भी है, कि रिट्रैक्शन वर्ड किसे कहते हैं, रिट्रैक्शन मतलब हटा लेना, देखिए जब कोई रिपोर्ट करता है मुझे लगा कि ये आर्टिकल जो है फर्जी है, इस आर्टिकल में ये चीज गलत है, तो मैं ऑब्जेक्ट करता हूं उसको कि यहाँ 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 ये पॉसिबल नहीं है, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये है, या ये कॉपी किया गया यहाँ से, इसका सपोर्टिंग ये है, तो वो एडिटर को जब मैं लिखता हूं तो एडिटर उसकी जांच करता है, ऑथर को नाम मौका देता है, जब वो अगर वो पाता है कि हाँ ये वाकई गलत है, बिल्कुल सरासर कॉपिंग है, तो वो उसको रिट्रैक्शन नोटिस देता है, जवाब देने का मौका देता है, वो जवाब नहीं देता है या उसका जवाब नहीं पाया जाता तो पेपर से हटा लिया जाता, मार्क लिखा जाता है रिट्रैक्शन नोट, दिस आर्टिकल हैज बिन रिट्रैक्टेड। तो सबसे बड़ी जो है एक डिसरेस्पेक्टिव कंडीशन है एक रिसर्चर के लिए, उसका आर्टिकल रिट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें इन चीजों से बचना है, रेस्पॉन्सिबल साइटेशन मैट्रिक्स, और किसी चीज को साइट करने के भी कुछ ना कुछ क्या है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं साहब, मैं अपना पेपर लिख रहा हूं
अपने स्कॉलर को बोल दिया, देखो भाई इस आर्टिकल से रिलेटेड मेरे 15 पिछले पेपर सबके सब साइट कर देना। टोटल कितने पेपर थे, टोटल कितने साइटेशन थे, कह रहे जी 30, फिर 15 मेरे डाल दो, बोला यानी 50%। कितना? 50% आपके अपने पेपर में अपने साइटेशन। साहब पब्लिकेशन क्रेडिट कभी भी जो है, जब हम साइटेशन बिहेवियर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि आप किस आर्टिकल को रेफर कर रहे हो, आपको मैनिपुलेशन से बचाता है, प्लेजरिज्म से बचाता है। इस साइटेशन के डेटा से ही एच इंडेक्स कैलकुलेट होता है। कुछ लोग इसलिए साइटेशन को अपने पेपर को डालते ताकि अपने साइटेशन पढ़े, ये गलत प्रैक्टिस है। जनरली सेल्फ साइटेशन का जो क्राइटेरिया है वो 10 से 15%। क्या बोला? 10 से 15, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्लैरिवेट, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है विद क्लैरिवेट। जो मैंने जो वर्कशॉप अटेंड करी उस क्लैरिवेट नहीं दिया था, उनका था हाँ आप शेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने जो दिया था मैंने स्लाइड भी वही रखा है, मैंने नहीं लिखा। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं क्लैरिवेट का है, क्लैरिवेट आप जानते हैं जनरल इंडेक्सिंग एजेंसी के बड़ी JCR की। तो वो कहता है कि 10 से 15% से ज्यादा आप अपने पेपर का रेफरेंस अपने पेपर में नहीं डाल सकते हैं, अपने पुराने पेपर का रेफरेंस अपने ही पेपर में नहीं डालना चाहिए आप। तो और ये तभी अपना पेपर का रेफरेंस भी तभी डालिए जब आपके पास कोई और पेपर है ही नहीं, या बहुत जरूरी है उसको डालना, तब आपको लिखे। तो एक्सेसिव सेल्फ रेफरेंसिंग से बचें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए एथिकल प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द प्लेजरिज्म, आने वाले कुछ समय में प्लेजरिज्म की बात करेंगे, हालांकि अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कुछ मिनट में संभव नहीं है, पर मैं इसको इसका जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो मेन मेन पॉइंट है, उसको आपको देने का प्रयास करूंगा। UGC.ac.in PDF न्यूज, मतलब ये UGC का प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018 सीन में आया है, 2018। ये PDF अवेलेबल है। पहला काम ये करना है कितने लोगों ने, अच्छा ये बताएं कि इतने लोगों ने ये पढ़ा है, मुझे बताएं कि कितने लोगों ने पढ़ा है, अभी मैं पूछूंगा। नहीं पढ़ा है तो इसको आज बैठेंगे, आज के आज, आज इसके साथ या संडे आ रहा है आपके पास, अपने रिसर्च स्कॉलर को पढ़वाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। थोड़ा बहुत सार के तत्व तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकेडमिक इंटीग्रिटी को डिफाइन किया गया इस रेगुलेशन में कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, क्या इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ईमानदारी, एंड किस में, प्रपोज करने में, परफॉर्म करने में, रिपोर्टिंग में, एनी एक्टिविटी विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इंट, जो बौद्धिक संपदा को उत्पादित करने के लिए जो भी चीजें आपकी लगती है उसमें बौद्धिक ईमानदारी का प्रदर्शन करना एकेडमिक इंटीग्रिटी है, अकादमिक सत्यनिष्ठा है। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और का आइडिया लेकर अपना बताकर आगे करना, उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। ये डेफिनेशन एज पर द एक्ट है। ये जो एक्ट, जो रेगुलेशन बनाया गया है, वो बनाया गया कि हमारे जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है उसमें एक सेंसिटाइज एनवायरनमेंट बनाना, अवेयर करना कि क्या गलत है क्या सही है, रिसर्च करने के लिए एकेडमिक रिसर्च में एकेडमिक इंटीग्रिटी को क्या होती है उसके बारे में, क्या गलत है क्या सही, स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर को स्टाफ को बताने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे पता चले शिक्षकों को कि एक ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई है कि फॉर रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थीसी डिसर्टेशन इंटीग्रिटी एंड डिटरमाइन एंड डिटरेंस फ्रॉम, कि वो प्लेजरिज्म से कैसे दूर रहें इसके बारे में एक एनवायरनमेंट बनाना। और तीसरा पॉइंट आप देखें, 3.3 देख रहे हैं, टू डेवलप सिस्टम टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कॉपी पेस्ट कहाँ की है भाई, साहित्य चोरी कहाँ हुई है, इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाना जो डिटेक्ट कर सके एक, और प्रिवेंट कर सके दो, अवॉइड कर सके तीन, पनिश कर सके उसको, फिर पनिश करने के लिए कुछ प्रावधान है, पनिशमेंट्स हैं इस रिसर्च इस रेगुलेशन में जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग जो है रेगुलर टाइम पे अपने इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट करते रहें, और ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे HRDC का, विशेषता हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी के, हमारी HRDC का, जो इस अकादमिक सत्यनिष्ठा को बड़े सीरियसली लेता है और अपने लगभग हर एक FIP या शॉर्ट टर्म कोर्स का एक पार्ट बनाता है जहां जहां संभव होता है। तो वाकई हमें जानने की जरूरत है, एंड दैट्स हाई टाइम, अपना ही नहीं अपने रिसर्च स्कॉलर को भी पढ़ाना है कि भैया काम गलत वो करेगा आपको पता चलेगा नहीं, नौकरी आपकी धार पे लग जाएगी, है ना। तो हमें ऐसा काम ना करना है ना करने देना है, ना ऐसी कोई संभावना बनाए रखनी है कि ऐसा काम हो पाए। गलती से भी कोई चीज हो गई ना साहब, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे पता नहीं था, रिसर्च में इस कॉपी पेस्टिंग के उसमें।
ना दूसरी चीज सिमिलैरिटी चेक, जब हम किसी अपने मटेरियल को जो हमने बनाया है किसी चीज से चेक करते हैं उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म चेकिंग कहते हैं। इसमें तीन चीजें एक्सक्लूड की जाती हैं, क्या चीजें? जो भी चीज कोटेड है यानी डबल कोट में, डबल कोट साइन के अंदर है, और जो नेसेसरी परमिशन के साथ अनुमति या रेफरेंस के साथ रखी गई है उन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, जो आपने जितने भी रेफरेंस दिए गए हैं, अक्नॉलेजमेंट है, प्रीफेस है, कंटेंट है, ये चीजें जो चैप्टर्स होते हैं ना थीसिस के, ये एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब ये काउंट नहीं किए जाते, यानी इनकी चेकिंग नहीं की जाती है। यानी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं कहीं से, कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस तो कॉपी करेंगे ना भाई, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, और अक्नॉलेजमेंट में आप कुछ भी लिखते हैं, तो प्रीफेस में कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ऑल जेनरिक टर्म्स, भाई मैंने कहा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, भाई मैंने कहा सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, ये सारी चीजें एक्सक्लूड की जाती है प्लेजरिज्म की चेकिंग से, यानी इन इन चीजों को चेकिंग में पार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म, अब किसने कितने, कोई डॉक्यूमेंट मेरा कितना सिमिलर है, उसके लिए लेवल्स हैं, लेवल 0, 1, 2, 3, 4, देख रहे हैं आप, ये रेगुलेशन का पार्ट है जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। वो कहता है इन असेंडिंग ऑर्डर, लेवल 0, अगर सिमिलैरिटी मेरा मेरा डॉक्यूमेंट दूसरे के डॉक्यूमेंट से 10% या उससे कम सिमिलर है तो उसे माइनर सिमिलैरिटी, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, होता है, वी कांट जनरेट द थिंग, थोड़ा बहुत परसेंट होगा तो 10% तक कोई पेनल्टी नहीं है, थीसिस में पेपर में चलेगा। लेवल 1, सिमिलैरिटी अबाउट 10 to 40%, यानी 10% और 40% के बीच में अगर है वो, तो लेवल 1 सिमिलैरिटी, लेवल 2 40 to 60, लेवल 3 सिमिलैरिटी अबाउट 60%। तो इसको डिटेक्शन और रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। अभी मैं बात करूंगा कि कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं भाई कि जहां जो है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है। मैं नो, पहली बात तो मैं इस चीज को यहाँ रोक के, ये क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि क्या करके क्या होने वाला है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिवेंशन का मैकेनिज्म बनाए। मैं आई नो आप यहाँ से कई विश्वविद्यालय या कॉलेजेस में हैं, क्या डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, विभागीय सत्यनिष्ठा कमेटियां किन किन विश्वविद्यालय में, यहाँ के लोग जितने हैं आपके विश्वविद्यालय में कितनों में है कितनों में नहीं है मुझे बताएं, जहां नहीं है वो बताएं प्लीज, सब क्या है क्या प्लीज मुझे बताएं भाई, नहीं सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप द थिंग, मैंने इसलिए इसलिए को रोक दिया चीजों को, वो सर नहीं है, नहीं सर नहीं है, नहीं है नहीं है सर। जी। तो देखिए साहब, ये हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक में विभाग में ये चाहिए, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी। इस डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा आज के आज, अपने विभाग में तुरंत एक कमेटी बनाई, आपके लाइब्रेरी को के लाइब्रेरियन को मिला के एक इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल भी बनता है, जो डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का भी एक उसका पार्ट होता है। अगर उसने रिकमेंडेशन दी तो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी का जो बोर्ड है, एकेडमिक रिव्यू बोर्ड बोलते हैं, एकेडमिक इंटीग्रिटी बोर्ड होता है, वो उसको पनिश कर सकता है। जरूरी है बच्चे को ये बताना, यानी जो भी डिसर्टेशन जमा हो रहा है वो चेक होगा प्लेजरिज्म की रिपोर्टिंग के लिए, और उसमें डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल साइन करेगा कि हाँ ये 10% से कम है, लेट्स ओके। खाली प्लेजरिज्म चेकिंग से नहीं चलेगा, बहुत सारी तत्व है जिसमें प्लेजरिज्म हो सकती है, इसीलिए ये सेंसिटाइज करना, पहले तो ये बताना बच्चे को कि बेटा कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये क्राइम है, बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चे को पता नहीं है तो वो सोचता है कर देते हैं, पता चला वो आपका रिसर्च स्कॉलर है, वो पेपर में भी कुछ ऐसा कर गया, आपको पता ही नहीं, बहुत अच्छा पेपर छाप लिया, इम्पैक्ट फैक्टर में छप गया साहब, बहुत बढ़िया, लेकिन फंस आप गए जब पता चला आपकी कमेटी लग रही थी प्रमोशन की, या प्रमोशन प्रोफेसर बने, किसी आपके शुभचिंतक ने वो आगे कर दिया कि भैया ये वाला चीज कॉपी है, आपको तो हवा ही नहीं, स्टूडेंट को पता ही नहीं कि ये क्राइम है, लेकिन नौकरी किसकी गई, आपकी, दिक्कत है ना। इसीलिए जरूरी है कि हमें पता होना बहुत जरूरी है, हमारे आसपास जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ये पता होना जरूरी है कि क्या है सत्यनिष्ठा, क्या है प्लेजरिज्म, ये नहीं करना यार, क्या चीज नहीं करनी। खाली अपने को पता होने से नहीं चलेगा, अपने से जुड़ा हर एक व्यक्ति को पता होना जरूरी है, हर एक रिसर्च स्कॉलर, हर एक पीजी स्टूडेंट, उनको भी बताइए, ठीक है। चलिए मैं वापस चलता हूं। सो साहब ये हो गए 4 आपके लेवल, अब बात करते हैं पनिशमेंट की, जो पेनल्टीज हैं
लेवल 0 में कोई पेनल्टी नहीं है, लेवल 1 में स्टूडेंट को कहा जाएगा कि भैया अपनी रिवाइज स्क्रिप्ट जमा करो 6 महीने के अंदर अंदर, यानी जो उसकी थीसिस है वो 6 महीने के लिए लटक गई है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिवाइज स्क्रिप्ट देनी है 10 to 40%। अगर वो 40 to 60% लेवल है तो जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, इसे बोलते हैं IAIP, वो स्टूडेंट को डीबार कर देगी रिवाइज स्क्रिप्ट 1 साल से पहले जमा करने से, यानी 1 साल बाद ही करेगा तू जमा, यानी 1 साल के लिए उसकी थीसिस का वर्क पेंडिंग हो गया, लटक गया। अगर 60% से ज्यादा पाया गया सिमिलैरिटी, लेवल 3 की सिमिलैरिटी है, तो उसको नमस्कार कर दिया जाएगा कि भाई साहब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है पीएचडी का। और अगर वो बाई दे आप जिसका 10 से 40% था, अब वो 6 महीने से पहले वो वापस रिवाइज स्क्रिप्ट ले आया, फिर वापस चेक होगी, मान लिया वो वापस 10 से 40% आई सिमिलैरिटी, तो अब क्या होगा, फिर वापस 6 महीने नहीं देंगे, अब लेवल 2 का पनिशमेंट मिलेगा, एक लेवल ऊपर का पनिशमेंट मिलेगा, यानी अब 1 साल के अंदर तक नहीं कर पाए। यानी जब भी आप बंदा दोबारा पकड़ा जाता है पेनल्टी में, तो उसे लेवल अग नेक्स्ट लेवल का पनिशमेंट मिलता है दूसरी बार में। ये बात थी स्टूडेंट्स की। अब टीचर्स की, टीचर्स में भी 10% से कम कोई बात नहीं, 10 से 40% तो अगर सिमिलैरिटी पाएगी आपके किसी पब्लिश पेपर में भी, तो आपको कहा जाएगा कि आप अपना पेपर विड्रॉ कर लीजिए, दैट्स इट। अगर 40 से 60% पाया गया पब्लिश पेपर में भी, तो विड्रॉ तो करेंगी, आपका एक एनुअल इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, यू विल बी डिनाइड एनुअल इंक्रीमेंट, जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो रोक ली जाएगी, आप 2 साल तक कोई किसी तरह का सुपरविजन नहीं कर पाएंगे, पीएचडी या एमफिल का सुपरविजन। अगर 60% से ऊपर पड़ गया तो 2 पेपर तो आपको विड्रॉ करना ही है, 2 सक्सेसिव, दो एक के बाद एक वार्षिक वेतन वृद्धियां रुकेंगी, और आपको 3 साल तक पीएचडी या एमफिल का जो है सुपरविजन का कार्य रोक लिया जाएगा। तो इस तरह से, और अगर आप वापस पकड़े जाते हैं या ज्यादा दोबारा पकड़े जाते हैं, तो इवन आपका सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकता है। दिस इज बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, उनको पढ़ें और ये जानें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने सारे हर एक व्यक्ति को ये बताएं। नाउ जब ये प्लेजरिज्म नामक जो चीज है, ये जब डिटेक्ट होती है, तो हमारे पहला काम क्या करने का भाई, तुरंत उसको रिट्रैक्शन कर लें या रिवाइज कर लें, या तो हटा ही लें उसे। डेलिब्रेट एंड और सीरियस फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म शुड एंटेल स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अगर आपने जानबूझकर किया है तो दिक्कतें होंगी। सर्च इंजन से भी, आप गूगल से थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो तो हमें ग्रॉस आइडिया मिल जाता है, कि लिमिटेड सर्च आपको हम चेक कर सकते हैं कि ये लाइन किसी आर्टिकल में है कि नहीं, तो गूगल के सर्च बार में डाल दी तो पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा टेक्स्ट नहीं पता चलता है। तो उसके लिए जरूरी है डिटेक्शन टूल्स, बहुत सारे डिटेक्शन टूल्स हैं प्लेजरिज्म के, आइथेंटिकेट, प्लेजरिज्म चेकर एक्स, टर्निटिन, वाइपर, ग्रामरली, साइड प्लैच, प्लेजरिज्मा, प्रो राइटिंग, मॉस, डुप्ली चेकर, ये जो है ये फ्री है, डुप्ली चेकर, पेपर डेटर, कॉपर लीक, कॉपी लीक्स, प्लेस चेकर, प्लेजियम, प्रीपोस्ट, उर्कुट। अब मजे की बात है, टर्निटिन ने उर्कुंड को खरीद लिया है, जो कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है शोध शुद्धि उर्कुंड, नाउ इट इज कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टर्निटिन, तो दैट्स वाई अब वो बहुत अच्छा बन गया है। पहले उर्कुंड का डेटाबेस इतना अच्छा नहीं था, नाउ टर्निटिन का डेटाबेस बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा डेटाबेस होगा उतना ज्यादा बारीकी से वो सिमिलैरिटी को पकड़ पाएगा सॉफ्टवेयर, है ना। तो प्लेजरिज्म पहली चीज है, जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं कैसे हम अवॉइड करें प्लेजरिज्म को, तो पहली बात है जो चीज एसस ले रहे हैं, एक दो श्लोक है, दोहा है, पुट कोटेशन मार्क्स, रीराइट या रीराइट करें, वापस से लिखें पैराफ्रेजिंग, उसको जो है शब्द विन्यास जो है, या वाक्य विन्यास जिसे कहते हैं हम, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है उसको चेंज करें, फिर री रिटर्न वर्जन जो आपने लिखा है उसको ओरिजिनल वर्जन से चेक करें, कहीं कोई अर्थ चेंज तो नहीं हो गया, डिफरेंट अपनी ओपिनियन अपनी वॉइस में लिखिए चीजों को, और उन वॉइस को चेंज कीजिए कि भैया कोई अपनी जो अपना वॉइस आपने लिखा है सेंस वही रहना चाहिए, लेकिन वॉइस और आइडिया लिखने का स्टाइल आपका अपना हो, तभी आप प्लेजरिज्म को बच सकते, अदरवाइज नहीं। नाउ कैसे हम प्लेजरिज्म को बच सकते हैं, एक सरसरी निगाह से बता रहा हूं, हालांकि इट रिक्वायर्स ए कंप्लीट सेट ऑफ लेक्चर। अवॉइडिंग टेक्स्ट, दो तरह के प्लेजरिज्म हो सकते हैं, टेक्स्ट का या फिगर का, मतलब जो शब्दों का है उसके लिए बचने के लिए डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग, ये 3 टेक्निक है।
डायरेक्ट पता कोटेशन लगाना, पैराफ्रेजिंग मतलब विन्यास चेंज करना, शब्दों या वाक्यों का विन्यास चेंज करना इस तरह से कि वो जो है अलग हो जाए, समराइज करना उनको, सेंटर आइडिया बताना, भावार्थ इस तरह से व्यक्त करना, और हर बार इन तीनों टेक्निक के साथ में रेफरेंस को यूज करना, मतलब ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस लगाना, ये जो है मेजर थ्री टेक्निक्स है। ठीक है, ये जो टेक्निक्स हमने कह दी, डायरेक्ट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, इसके बाद इमेज प्लेजरिज्म, या तो आप खुद बनाइए, नई इमेज बनाइए, मॉडिफाई कीजिए, इंक्लूड कीजिए, रिजल्ट फिगर कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, रिजल्ट में कभी फिगर कॉपी ना करें आप, कहीं का कहीं उठा के ना पे करें। देर आर सो मेनी छोटे छोटे जो है कई बहुत प्यारे आपको टूल्स भी मिलेंगे, एमएस ऑफिस में भी आप बहुत सारे टूल्स है, स्मार्ट आर्ट्स का यूज कर सकते हैं, गूगल इमेज है आपके पास है, विकीमीडिया के ऐसी इमेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, नई इमेजेस बना सकते हैं ऐसे टूल्स से। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम प्लेजरिज्म से बचते हैं, कि थॉमस एडिसन बोले थे कि एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेंट, इट सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस, मतलब मैं ऐसी कोई चीज नहीं बनाना चाहता हूं जो उपयोग में ना लाई जा सके, क्योंकि उपयोग ही उसकी जो है क्या है, उसकी उपयोगिता ही उसका सफलता का सफलता है। तो मैंने क्या किया, इस कोट को डायरेक्ट कोट में कोटेशन में डाला एक, और नीचे लिखा थॉमस एडिशन, तो क्या हुआ, डबल कोट विद रेफरेंस, क्या किया, डबल कोट विद रेफरेंस। नाउ ये पहला मेथड हो गया। अब उसी बात को दूसरे शब्द में कहे पैराफ्रेजिंग, विन्यास चेंज करना। एडिसन सेड दैट ही डजंट वांट टू इन्वेंट, एडिसन ने कहा कि वो ऐसी चीज नहीं करना चाहता है जो कि जो है उपयोगी ना हो, जो बिकती ना हो, एडिसन। तो ये पैराफ्रेजिंग, रेफरेंस दिया मैंने लेकिन अपने शब्दों में उसको थोड़ा बहुत बोल दिया, उसी बात को घुमा फिराकर बोला। समराइजिंग क्या है, पूरी बात ऐसा नहीं करनी, उसका विन्यास निचोड़ निकालना है और रेफरेंस को देना है, द सक्सेसफुल रिसर्च मस्ट बी द नीड बेस्ड वन, ये मैंने बोला, एडिसन ने कहा। ठीक है, तो ये तीन मेजर मैंने उदाहरण के साथ बताया कि हालांकि एक अपने में एक प्रैक्टिस है, बहुत एक प्रैक्टिसिंग के साथ ही चीजें आती है, कई टूल्स भी आ रहे हैं। अब आपको जब प्लेजरिज्म को करेक्ट करना है तो आपको प्लेजरिज्म चेकर जो है रन करना होता है, फोकस करें हाई परसेंट, जहां जहां ज्यादा परसेंट कॉपिंग है वहां कॉपी करें, और जब सिंगल सोर्स से कहीं कॉपी हो रखा हो ज्यादा, पहले उसको फोकस करें। ठीक, तो इस कारण इस तरह से अब फोकस कैसे करेंगे, यानी ये जो टेक्निक हमने बताई है, डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, इनके माध्यम से रिफ्रेज कीजिए चीजों को रेफरेंस के साथ में। नाउ और ये जो प्लेजरिज्म के भी जो टूल्स हैं वो भी आपको पास आपकी लाइब्रेरी में आपको फ्री एक्सेस सब जगह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोध शुद्धि नाम से उरकुंड की आईडी सबको देती है, वो भी उस पर भी मैं आऊंगा, कि लूसिड चार्ट, गूगल ड्राइंग, एमएस ऑफिस टूल्स, ये तीन जो है इमेज के अच्छे टूल्स हैं। लूसिड चार्ट देखेगा, गूगल ड्राइंग, एमएस ऑफिस टूल्स, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, MS 365, आप अपनी इमेज अपने आप बना सकते हैं, रे डायग्राम है, इस तरह की चीजें हैं, जो चीज आपको दिख रही है डायरेक्ट बजाय कॉपी पेस्ट करने का, आपने ढंग से बना लीजिए उसको, रिक्रिएट कीजिए इमेज को, अगर कोई इंट्रोडक्शन वगैरह के रेफरेंस में आप देना चाह रहे हैं, हालांकि रिजल्ट से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है डेटाबेस में बनेगी वो तो रेफरेंस। मेरा मकसद ये है कि आप जब भी प्लेजरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आपके पास, मैं डिस्कशन पॉइंट में आऊंगा कि डिटेक्शन की आईडी के रेफरेंस में, इससे पहले कि मैं इसको पूर्ण करूं, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, तो प्लेजरिज्म में आपको अवॉइड करना है तो एकमात्र चाबी है हमारे पास, ऑनेस्टी, जस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहें, श्रेय दें, गिव क्रेडिट, एट्रीब्यूट, साइट, रेफरेंस दें, अक्नॉलेज करें सोर्स को, जो ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल क्रिएटर है उसको ईमानदारी के साथ श्रेय दें, उसको रेफरेंस दें, आस्क फॉर परमिशन, अनुमति लेकर अपने ही काम को अगर वापस रिप्रोड्यूस करना है तो अनुमति लें डॉक्यूमेंट की, रेस्पेक्ट आईपीआर, हर एक की बौद्धिक संपदा का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरों के आइडियाज को डायरेक्ट जो है एकेडमिक एक्सचेंज में डायरेक्ट यूज ना करें, अपना बताकर दूसरे को श्रेय दें। आपने देखा मैंने पहली जो स्लाइड लगाई उसमें लिखा हुआ था, उसमें कर्टेसी प्रोफेसर आईवी सिराव, दूसरा तीसरा स्लाइड था प्रोफेसर रजत अग्रवाल वाला, वहां मैंने मेंशन किया कि दिस प्रोफेसर, ये प्रोफेसर रजत अग्रवाल का कहना है, इट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, कि भाई ये उन्होंने कहा है, मैं ये भी कह सकता था मैं ये कहता हूं, नहीं, ईमानदारी ये है कि जिसने कहा है उसको हम क्रेडिट दें। सो प्रिजर्व द करेक्टर, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमेत चयाति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, अर्थात हमें
अपने करेक्टर की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता और जाता है, धन से विहीन व्यक्ति तो विहीन होता है, कुछ उसका उतना कुछ नहीं बिगड़ता जितना जो है चरित्र से विहीन व्यक्ति का जो है सब कुछ हतोहता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वी मस्ट प्रिजर्व अवर करेक्टर विद ऑल अवर एफर्ट्स। सो क्वेश्चंस प्लीज, नाउ दिस फिनिशेज आवर फर्स्ट लेक्चर, एंड अब मैं चाहूंगा कि आप जिनकी जो भी कोई क्वेरी हो वो पुट अप करें, वो बताएं मुझे, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। हमारे पास, मैं आपके लिए इंटेंसली आई हैव लेफ्ट दिस मच टाइम फॉर यू कि हम उसको डिस्कस कर सकें। जो पहली बात जो मैं कहना चाहता था कि कितने लोग यहाँ पर हैं भाई जिनके पास अपनी उरकुंड की आईडी है, या आपके इंस्टीट्यूट में कोई प्लेजरिज्म का टर्निटिन जैसा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी परचेज है, तो मुझे बताया कितने लोगों के पास है भाई एक्सेस, इंडिविजुअल एक्सेस आई एम टेलिंग। हाँ देखिए, होना चाहिए, नहीं है। नहीं है हाँ सर। देखिए सर, आप विश्वविद्यालय में हैं किसी? हाँ मैं कॉलेज में हूँ, सर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हाँ बोले बोले, बाकी लोग कौन बोल रहा है? हाँ बोले मैडम, कौन कह रहा था? कोई नहीं कोई नहीं, बोले सर आप, बोले हो। आवाज नहीं है तो अब और नहीं आवाज नहीं आ रही? यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है, देखिए देखिए, हर विश्वविद्यालय में इन्फ्लिपनेट के द्वारा फ्री एक्सेस दी जाती है उरकुंड की। अब उरकुंड जो है टर्निटिन का पार्ट है, ठीक है। अगर आपके विश्वविद्यालय या कॉलेज में नहीं है तो अपने विश्वविद्यालय को लिखिए कि हमें जो है ऑफिशियल लेटर लिख दिए उनको कि हमें इंडिविजुअल आईडी प्रोवाइड की जाए, ये आपका हक है, और भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी आपको हक देता है और आपको फ्री एक्सेस देती हर एक आप, ताकि आपके पास आईडी हो, ताकि आप उसको प्री जो है चेक कर सकें। जब आप चेक करेंगे तो आप अपने स्तर पर ही उसमें गलतियों को सुधार पाएंगे, चाहे वो आपका अपना पेपर है, चाहे वो अपना वो है, और कहीं और भेजने से पहले आप उस डॉक्यूमेंट आईडी को वहां से रिमूव कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा ऐसा ना लगे कि वो जो कहते हैं कि जो क्लाउड है उसमें आपका पिछला वाला वर्जन नहीं रहेगा, तो आप वो हटा भी सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है एज ए फैकल्टी मेंबर आप अपने लाइब्रेरियन को बोलिए कि भैया आप जो है थीसिस का चेक करते हो ना, तो जैसा करते हो आपके पास हमें आईडी देने का भी प्रावधान है, उसको अपनी ईमेल आईडी दें, वो अपनी आपकी ईमेल आईडी पे एक्टिवेट कर देगा उरकुंड की आईडी को। और उरकुंड अब छोटी मोटी चीज नहीं रही, एक समय था जब उरकुंड का जो डेटाबेस था बहुत पैथेटिक था, तो उरकुंड में अगर सिमिलैरिटी 10% आ रही है तो इसका मतलब एक्चुअल सिमिलैरिटी 25% के ऊपर होगी, क्योंकि उसका डेटा उतना था ही नहीं। आज की डेट में उरकुंड टर्निटिन का एट पार है, क्योंकि टर्निटिन ने ही उरकुंड को खरीद लिया है। तो ना उरकुंड अब ओरिजिनल नाम से जाना जाता है। मैं एक शेयर भी करूंगा आपके साथ, बल्कि इससे पहले कि हम बात करें कि मैं कुछ लिंक्स आपको दे रहा हूं कि एक लिंक है, ये मैं अक्सर आपको देता हूं, कंपाइल्ड लिंक्स है। इस लिंक्स में आपको मिलेंगी कि चैट बॉक्स देखिएगा, चैट बॉक्स में मैं आपको ये लिंक डाल रहा हूँ कि tiny.cc लिंक्स बाय सेमल्टी। इसमें बहुत सारी जो मैंने आपको बुक्स के रेफरेंस में कहा है वो आपको मिलेगी, ठीक है, तो देन यू कैन रन। इसके अलावा मैं प्लेजरिज्म में ओरिजिनल को कैसे रन करते हैं ये भी आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब आप डेटा बैंक आप जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आपको खाली अपना लोड करना रहता है अपना कॉपी, कुछ देर बाद में रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। खैर मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो स्पेसिफिक भी हो सकता है अलग अलग टूल्स में, और हर टूल, बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो 1000 वर्ड्स तक फ्री देते हैं एक्सेस, यानी 1000 वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो फ्री एक्सेस करते हैं, वो फ्रीमियम वर्जन है उनके, यानी फ्री प्लस प्रीमियम, यानी 1000 वर्ड तक वो फ्री एक्सेस देते हैं, पर आपको ज्यादा पूरा टेक्स्ट को चेक कराना है प्लेजरिज्म के लिए तो देन यू हैव टू पे और आपको वो खरीदना होगा। हमारे पास जब उरकुंड है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स एट पार विद टर्निटिन, तो बहुत अच्छा फ्री आपको टूल मिला हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक फैकल्टी मेंबर अपने लाइब्रेरियन से संपर्क करे और उसको अपनी इंडिविजुअल आईडी देने की रिक्वेस्ट करे, और सबके पास वो होनी चाहिए, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है कि वो जो मैंने प्लेजरिज्म रेगुलेशन 2018 आपको बोला, एकेडमिक इंटीग्रिटी का रेगुलेशन ना, उसको जरूर आज फोल्डर
फुर्सत निकाल के पढ़ लीजिएगा प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। और खाली खुद ही नहीं पढ़ना है, अपने रिसर्च स्कॉलर को अभी के अभी शेयर कर दीजिए, लिंक उसी लिंक के अंदर है कि भैया पढ़ के रखना, कल तुमसे सुनूंगा परसों तुमसे सुनूंगा, वो आपको बताएगा एक एक चीज, क्योंकि उसको पता होना बहुत जरूरी है, उसको भी पता होना बहुत जरूरी है, कुछ गड़बड़ किया तो कर वो तो निकल जाएगा, आपका करियर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक, दूसरी बात, तीसरी बात, दो बातें होने के बाद तीसरी बात, प्रैक्टिस करें प्लेजरिज्म को अवॉइड करने की प्रैक्टिसेस का, पैराफ्रेजिंग के बारे में कि भाई कैसे मैं प्लेजरिज्म को रिमूव करूं। देखिए समस्याएं आती हैं साइंस वालों के साथ, तो और खतरनाक समस्याएं आती हैं कि मेथड्स वाले सेक्शन में जब हम पेपर को लिख रहे होते हैं, मेथड तो मेथड होता है लेकिन वहां भी अपने शब्दों में चीजों को लिखना एक बड़ा जंग है, उस प्लेजरिज्म से पार पाना वो एक कला है जो आप प्रैक्टिस के हिसाब से सीखते हैं कि हाँ भाई कि अपने शब्दों में लिखे अन्य से। देखिए कोई मेथड है बाय द वे, वो रिपोर्टेड मेथड है, अगर वो स्टैंडर्ड मेथड है तो आप उसे वापस रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? आप ये लिख दीजिए कि फला फला सेमल्टी अटेल रिपोर्टेड दिस मेथड एंड इट वाज अडॉप्टेड एज सच, दैट्स इट, खत्म गान। क्यों उस चीज को वापस लिखा जाए? आप कोई एफटीआर से ये बनाते हैं केबीआर मेथड, एवरीवन नोज एफटीआर वाज प्रिपेयर्ड बाय द केबीआर मेथड, दैट्स इट, उसको मेथड को लिखने की जरूरत नहीं। डोंट इलाबोरेट चीजों को, इलेबरेट करने में कोई मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है, केवल जो नए मेथड है उन्हीं को बताइए, नए क्वेश्चनर्स के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको कॉपी मत कीजिए। क्वेश्चनर जब तक स्टैंडर्ड ना हो, जब तक वो किसी आधिकारिक संस्था से ना हो, लाइक WHO का कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है, तब तक क्वेश्चनर कॉपी मत कीजिए किसी का, अपना क्वेश्चनर बनाइए। जब तक कि वो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या इंटरनेशनल एजेंसी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, तब तक उस क्वेश्चनर को, किसी के क्वेश्चनर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चनर को यूज मत कीजिए। जब तक वो गाइडलाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मार्क माय वर्ड, आप कर सकते हैं लेकिन अगर वो आपके क्षेत्र की किसी गाइडलाइन का पार्ट है, उसके अंदर है वो, लाइक WHO का 26 क्वेश्चन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट का या हेल्थ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चनर है, यू कैन यूज इट, नो इश्यू, क्योंकि WHO ने दे रखा है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर शीतल है ने कोई ऐसा क्वेश्चनर बनाया, आपने पेपर में लिखा, आप अपना उस क्वेश्चनर को अपने फील्ड में लगा लिए या अपने एरिया में स्टडी कर लिए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपनी चीज से करना है, आप दूसरे को क्वेश्चनर को ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, टेक्निकल इट इज रॉन्ग, आप अपना क्वेश्चनर खुद डेवलप कीजिए। और अगर आप करते भी हैं, बाय द वे बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ी, देन द ओरिजिनल क्रिएटर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड उसकी परमिशन आप लें, अनुमति लें, उसका रेफरेंस दें, आप ये छुपा नहीं सकते कि इसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है। ऑनेस्टी, मैंने कहा ना, एकमात्र चाबी है जिससे आप जो है इस चीजों से बच सकते हैं। जब भी आप अपना कोई उद्बोधन भी दे रहे हैं, किसी को, किसी के सेंटेंस को, किसी के थॉट को आप बोल देते हैं अपना बताकर, वो गलत है, उसको भी श्रेय दे कि हाँ इस फला आदमी ने उस फला दिन ये कहा था, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, एकेडमिक ऑनेस्टी इन डिलीवरिंग द थॉट्स, इन डिलीवरिंग द लेक्चर्स, इन डिलीवरिंग द थिंग्स, एंड दिस इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। जब हम ईमानदारी का साथ छोड़ते हैं तभी हम जो है समस्याओं में फंसते हैं इस तरह की, अगर हम एकेडमिक इंटीग्रिटी और प्लेजरिज्म की बात करते हैं, दैट इज अटमोस्ट नेसेसरी। और देखिए घबराइए नहीं, आपको लगता है कि कई लोग गलत सलत ढंग से बहुत अच्छा पब्लिक बहुत न लाइन लगाए हुए हैं पब्लिकेशन की, डोंट बोदर अबाउट दैट, गलत रास्ते पे जाकर तो यार कई आपके कुछ हो सकता है, कुछ पहचान में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भाई कुछ गलत कारणों में से बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे, भाई तस्करी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग वो ड्रग्स को स्मगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा पब्लिक को पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आपको उनको कोफ्त होती है उनको बना के, यार कितना अच्छा पैसा कमा रहा है, कितनी अच्छा बिल्डिंग बना लिया, गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप क्या, आप सोचते भी नहीं ना यार मैं कंपेयर क्यों करूं। तो ऐसे ही ऐसे लोगों से जो हमारे ही फील्ड में है गलत ढंग से काम कर रहे हैं, उनसे खुद को कंपेयर मत कीजिए ना, ये फील कीजिए कि हाँ भाई यार मेरे पब्लिकेशन कम है, यार मेरा नहीं हो रहा, नहीं आप अपने सही राह पे बने रहिए, क्योंकि तो वो लोग ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा सांस अटकी की अटकी रहेगी, हमेशा जिंदगी भर, कब उनके नीचे से जो है उनका शुभचिंतक वो उनका जो है जमीन को खिसका देगा उनको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उस चीज से ना परेशान होना और उनके लिए सहानुभूति रखना, यार ठीक है अज्ञानता है या मूढ़ता है, लेट देम डू, जो करता है करने दीजिए,
गलत नहीं करना है, क्योंकि तो गलत करेंगे तो परिणाम उसी को भोगना है जो गलत करेगा, खासकर इस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं। तो क्वेश्चंस अवेटेड प्लीज, अब बताएं और कोई क्वेरी हो आपकी तो। अब मैंने जो लिंक दी है उसको जरूर कॉपी करके रखें प्लीज, है ना, तो कॉपी करके और फिर उसमें देखें जो वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी लिंक्स हैं आपके काम की, दैट वुड बी सर वंडरफुल फॉर यू। हाँ बोले मैडम। सर मेरे को एक रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन चाहिए था कि अगर दो दो असिस्टेंट प्रोफेसर सेम टाइम पे ज्वाइन करते हैं, सेम सेम डे नहीं ज्वाइन करते, मतलब एक ही सिलेक्शन सेम वे में हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग डेट अलग है दोनों की, 10 डेज का डिफरेंस है, बट जो सर्विस कमीशन है रैंकिंग जो लेट से ज्वाइन किया उसकी रैंकिंग ऊपर है, तो इस केस में सर सीनियर कौन होगा? मैडम ये नॉर्म्स पे बात होती है, सर्विस कमीशन में जहां तक जो गवर्नमेंट की जॉब्स, यूनिवर्सिटी में अगर है, सर्विस कमीशन में तो जनरली जो है आप रूल देखें, मेरे ख्याल से सर्विस कमीशन में जो जो रैंकिंग है वो इम्पोर्टेंट होती है, ज्वाइनिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट यूनिवर्सिटी में उल्टा है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में ज्वाइनिंग से चलती है सीनियरिटी, हालांकि वो भी क्वेश्चनेबल है, पर नोबडी बॉदर्स। के होता क्या कि जैसे वरीयता क्रम में अगर 10 लोग आए हैं, अब एक व्यक्ति आपका नागपुर का है, एक मेरे श्रीनगर का ही है मेरी यूनिवर्सिटी में, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि 100 मीटर की रेस लगेगी आप कौन पहले पहुंचता है, कायदे में यस होना भी नहीं यस चाहिए, रैंकिंग से ही होती है चीजें कि कौन कैब ज्वाइन कर रहा है, इट्स नॉट ए क्राइटेरिया अगर 10-12 लोग एक साथ एक जगह ज्वाइन कर रहे हैं। बट यूनिवर्सिटी ने अपना सरदर्द बचाने के लिए यूनिवर्सिटी ने जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखा हुआ है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ऐसा है। सर आई जस्ट वांट टू शेयर कि मतलब मेरे साथ यही सिचुएशन है, वी हैव ज्वाइन थ्रू सर्विस कमीशन इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में मेरे है और मेरी कलीग की रैंकिंग नीचे है, बट उन्होंने ज्वाइन किया मेरे से 5 डेज पहले, तो ये बड़ा इश्यूज हर टाइम क्रिएट होता है सर कि वेदर शी सीनियर और वेदर आई एम सीनियर, बिकॉज हमारे यहाँ HOD बनने का भी जो रोटेशन बेसिस है 3 इयर्स 3 इयर्स 3 इयर्स, तो इन दैट केस HOD बनने के केस में सर पहले कौन सीनियर होगा? वो तो जो आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको मानी नहीं रही सीनियर, तो ऑब्वियसली दैट वर्ड आप अपने कमीशन से पूछिए, कमीशन के हिसाब से कौन होगा। अब मेरे ख्याल से तो रूल्स तो यूनिवर्सिटी के लगेंगे, क्योंकि आप यू आर द एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये कि ज्ञात आप शासन से पूछिए, नहीं समझ में आता देन यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट, यू डोंट हैव, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर या कमीशन देगा या यूनिवर्सिटी देगी, ऐसे केसों में जो है यू हैव टू गो टू द कोर्ट ओनली, कोर्ट ऑफ लॉ, दैट्स इट। ओके सर यही इश्यूज हो रहे हैं। हेलो। हाँ जी बोले सर। हाँ सर जी, एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन है कि सर नहीं नहीं जैसे बोले प्लीज, सपोज, सीधे नहीं बोले बोले। हाँ हाँ सर, जैसे सपोज UGC केयर लिस्ट में अगर मुझे पेपर दो ही रिसर्च जर्नल में पब्लिश करना है, एक स्प्रिंजर और एक एल्सवायर, तो उसके लिए क्या प्रोसेस, एक्चुअली प्रोसेस क्या है, क्योंकि उनकी प्रोसेस मैंने फाइंड आउट किया तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, 6-6 महीने, 1-1 साल में एक पेपर वो फाइंड आउट करने के बाद पब्लिश करते हैं। मतलब मैं तो समझा नहीं आपकी बात, आप नहीं पेपर सर छापना देखिए, चाहते हैं स्प्रिंजर में? हाँ, तो एक्चुअली उस पे अगर मुझे छापना है पेपर, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आपका कंटेंट और उसका रिवाइज जो करते हैं वो तो उसमें कुछ ऐसा 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं सर। जैसे मेरा एक पेपर है, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको पब्लिश करेंगे, लेकिन उसके लिए 2 साल लग रहे हैं। तो सपोज मेरा एक पेपर तो 2 साल बाद पब्लिश हो रहा है, और एक्सेप्टेंस हो गई उसमें ना, मेरे जो साथ वाले एक्सेप्टेंस नहीं, काम आपको करने वाले, एक्सेप्टेंस मिल गई ना, हाँ जी एक्सेप्टेंस तो मिल गई ना आपको पेपर की हाँ जी हेलो, ना, मैं कह रहा हूं पेपर का एक्सेप्टेंस मिल गया, पब्लिश नहीं हाँ हुआ, जी ये हाँ कह जी रहा हूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा होता है। देखिए लेकिन पब्लिशिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक्सेप्टेंस आ गई तो दैट इज एनफ फॉर योर क्लेमिंग एनीवेयर, एक्सेप्टेंस इज इक्वली वो है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होते ही ज्यादातर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो पेपर आ जाता है, या ऑनलाइन वो जो है उसका एटलीस्ट ये टैग आ जाता है कि हाँ इट इज एक्सेप्टेड। तो अगर आप अहेड ऑफ, ज्यादातर देखिए जो अच्छा जर्नल होगा उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, क्यू लंबी होती है, आप तलाश और कर सर सकते हैं ऐसे जर्नल्स की जो भले ही इम्पैक्ट का ना हो, अच्छी इंडेक्सिंग वाला हो, एल्सवेयर स्प्रिंजर में ऐसे बहुत से जर्नल है, और जो 3-1 महीने में आपको जजमेंट दे देते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं,
और 5-6 महीना साल भर के अंदर, 5-6 महीने के अंदर आपको जो है पब्लिश आपका हो जाता है। और जो अच्छा जर्नल है उसमें आप उसकी चिंता मत कीजिए कि कब छप रहा है, वो छपेगा जब, लेकिन ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो दैट्स वंडरफुल, मुझे लगता है कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। भाई और सर इसमें आपको, अगर आप ही चाह रहे हैं कि आपने आज रात पेपर भेजा और कल वो परसों जो है छप जाए, तो नहीं नहीं दैट इज वैसा नॉट तो पॉसिबल। अब उन उन पॉसिबल ही नहीं उन है। जर्नल्स का फेट भी ऐसा ही होता है कि वो आज रात तो दिख रहे हैं कि लिस्ट में, अगली रात को नहीं दिखेंगे। तो सर लिस्ट में के कुछ बॉदर ना करें, आप केवल ग्रुप टू को बॉदर करें। जो ग्रुप टू है यूसी के लिस्ट का, वो है कि स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग एजेंसीज वाले में, लाइक जर्नल्स विच आर इंडेक्स इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, SCI, इनमें जो अच्छी इंडेक्सिंग एसी में, खाली उनके जर्नल देखे, देखिए उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कि अगर आप ग्रुप वन पे जाएंगे जिसको यूजीसी केयर अप्रूव करता है, तो वो तो आराम का आराम है, क्योंकि उनकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं है हिसाब किताब। भाई यूजीसी केयर ईमानदारी से करता जरूर है उनको, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गलत कर रहा है तो तुरंत निकाल भी देता है, तो वो अच्छा काम कर रहा है कि क्वालिटी बनाने के लिए। लेकिन उससे होता क्या कि आपको हर समय हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि यार जब मैंने छापा था तब ये लिस्ट में था, तो दैट इज टिपिकल। और ये प्रमोशन के लिए तो चलेगा, कहीं आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो एज ऑन डेट अगर वो नहीं है तो नहीं काउंट होगा, वो काउंट नहीं होता फिर। तो फायदा क्या ऐसी माथापोड़ी नहीं करने काम को कि ये लिस्ट की, मैं तो कह रहा ग्रुप वन की तरफ देखिए ही मत, वो कह ले यू जस्ट गो फॉर द इंडेक्स जर्नल्स जो कि जो है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और SCI में इंडेक्स है। बहुत से जर्नल विद केवल साइंस के ही नहीं, आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटी में भी बहुत अच्छे जर्नल मिलेंगे, आपको एक से एक सर मिलेंगे। इसमें होता कैसे है, जैसे सपोज अगर मुझे कोई रिसर्च करना है, यानी भी मेरा जो रिसर्च अभी एक्सेप्टेंस मिला है मुझे, तो उसके लिए मुझे 5 साल लग गए सर रिसर्च करने में। 5 साल हो गया मुझे करते करते। अभी मैं दूसरा एक काम और कर रहा हूँ, उसमें मुझे 8 साल लग रहे हैं। तो मेरे तो सिर्फ 2 ही पेपर आ रहे हैं सर, अगर नहीं मैं देखिए, यही पेपर में ऐसा नहीं काम होता, को पेपर पेपर के लिए नहीं। क्या सर एक है। मिनट सर, हाँ बोले बोले। क्वेश्चन क्वेश्चन तो सुन लीजिए सर। और मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं या जो मेरे, वो तो केयर लिस्ट में बाप रे, इतने 34 साल के बंदे के 30 पेपर आ गए। हाउ कैन पॉसिबल सर? होता है सर ऐसा, देखिए देखिए, एक तो होता है फील्ड का भी अंतर होता है, ऐसा नहीं है। देखिए नंबर ऑफ पेपर से आप किसी की विद्वता को जज नहीं कर सकते, एक बात है। ये तो ये बोलने के थोड़ा बहुत हमारे सिस्टम का भी दोष है कि एक दौड़ लगा रखी है कि तेरे कितने पेपर मेरे कितने पेपर, वो कहानी है। मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, कमेंट नहीं करना चाहूंगा उस चीज पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ये जरूरी है। पर दूसरा मैं कहता हूँ, थोड़ा एक अच्छा नंबर भी हो। अगर मैं कहूं कि सर आप 5 साल में एक पेपर निकाल पाए, तो मुझे नहीं लगता। हमें चीजें क्या करनी है, कुछ पेपर देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, कुछ प्रिलिमिनरी स्टडीज को भी आप छापिए, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ जो आइडिया मिला उसको छोटा पेपर, शॉर्ट कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। हमेशा ना सर, हमें हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है कि भाई फुल रिसर्च आर्टिकल लिखना है, शॉर्ट कम्युनिकेशन लिखिए 1.5 पेज वाला, ऐसे भी आते हैं ना जर्नल्स में, ऐसे सेक्शन, वहां निकालिए छोटा। फिर उसकी जो बड़ी स्टडी होगी वो ओरिजिनल पेपर में, थोड़ा जब आप कुछ और काम कर लेंगे तब आप छापिए। तो कम से कम 1, 2, 3 पेपर आप 5 साल में छाप पाएंगे। एक रिव्यू छापिए उसका, दो रिसर्च तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं किसी भी वर्ग से। तो और दूसरी मैं टिप आपको दूंगा, गो फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स। ऐसा बहुत दिक्कतें आती हैं कि हम अपने कोर सब्जेक्ट में पेपर को छापना एक बहुत चैलेंज होता है, एक। दूसरा, आपको रीडरशिप लिमिटेड मिलती है, एक उसी रिसर्च वाला ही पढ़ेगा। अगर आप मल्टी डिसिप्लिन या इंटर डिसिप्लिन जर्नल जो अलाइड है उसमें अगर जाएंगे, तो न केवल आपके एक्सेप्टेंस के चांस ज्यादा होंगे, बल्कि आपको रीडरशिप ज्यादा मिलेगी, लोग आपके साइट ज्यादा करेंगे। तो बेहतर है कि हम जो है, जैसे जैसे साइकोलॉजी वाला है, आपका कुछ काम जो है उससे रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, जो साइकोलॉजी के रिलेटेड है, तो व्हाई नॉट टू गो टू द योगा जर्नल, साइकोलॉजी जर्नल या फिलोसफी का जर्नल या इंटर डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसा जर्नल है, तो जस्ट गो लिटिल बिट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑल्सो, कि हम वो अपने फील्ड से थोड़ा इतर भी जाए, जो अलाइड फील्ड है उसकी तरफ भी हाथ मारे रिसर्च के रेफरेंस में। एंड मैंने आपको जैसा कहा कि कभी भी ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, इतना पेपर किया, यार मेरे को मेरे पेपर में इतना होता है तो मुझे उतना करना है। अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो जिंदगी भर हम परेशान ही रहेंगे सर, ऐसे बहुत सारे कारक रहेंगे जो आपको हमेशा परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये तो हमको खुद को अपने को बनाना पड़ेगा कि मैं, कि आप मुझे कितना परेशान कर सकते हैं ये मेरे पे डिपेंड करता है सर, आप पे नहीं करता है। मेरी खासकर एकेडमिक्स में जब आप हैं, तो अपना जो जिगरा है वो ऐसा बना लीजिए कि आपकी हिम्मत नहीं है मुझे परेशान करने की, जब तक मैं ना चाहूँ ना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है, कर लो जिसे जो करना है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, यू नो यू हैव द करेज टू से दिस,
लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो करेज आपके अंदर होगा नहीं, तो वो करेज ऑनेस्टी लेके आती है सर। ठीक है, सर बेस्ट ऑफ लक, इसका ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको हिंट भी दूंगा, अपने से रिलेटेड काम करने वालों के, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका सीवी देखिए, आईआईटी में देखिए, या कोई, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा इकोनॉमिक्स है सर। इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, या जहां जहां सब्जेक्ट में होते हैं, वो उस फील्ड में काम करने वाले लोगों का ना सीवी देखिए कि वो कहाँ कहाँ छापे हैं, देन यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट न्यू जर्नल्स वेयर यू हैव द स्कोप, जहां पर आपका स्कोप बन सकता है सर, जहां पर ऐसे देख, मैं मानता हूं कि मेरा हर काम हाई इंपैक्ट लायक नहीं है, लेकिन कुछ तो कहीं तो अपॉर्चुनिटी होगी जहां मैं सेट होता हूंगा, जहां मैं फिट होता हूंगा। मैं भी जो काम कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी टॉप रिसर्चर नहीं हूं सर, मैं एक रिसर्चर हूं जो चलता रहता है बस, हाँ भाई किसी तरह काम चल रहा है, क्योंकि मेरे को मेरे रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट मैं उस रिसोर्सेज में जितना बढ़िया कर सकता हूं करूंगा, कोई बात नहीं। साल में एक पेपर निकले निकले, 2 साल में एक पेपर निकले निकले, आप आधा पे नहीं करूंगा, मेरे 90 के पे 90 पेपर है सर, 100 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 150 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, डजेंट मैटर एट ऑल। तो वो हाँ ठीक है, शुरू में आपके कुछ भी 10-20 पेपर, रेफरेंस पेपर आपके आ जाते हैं, और नंबर नहीं गिनने, क्वालिटी देखिए, पेपर देखिए, और अच्छे जर्नल में छापिए, दैट्स इट। यूटिलिटी देखिए, कोई जरूरी नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक बहुत अच्छा स्टडी किया स्वयं मुख पर, ओके okay? तो आई कुड हैव पब्लिश्ड इन वेरी वेरी गुड इंटरनेशनल जर्नल्स और नेशनल जर्नल्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दैट, मैं उसे छपा सकता था, और मैंने कहाँ छापा उस जर्नल को, यूनिवर्सिटी न्यूज में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का जर्नल है, अगर आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी न्यूज, आईएसएसएन है। तो मजे की बात हाँ है, मेरा सिलेक्शन ना, मैं कभी कभी बहुत एब्रप्ट काम करता हूँ, मतलब जस्टिफाइड नहीं कर ना, वो यूजीसी केयर ग्रुप 1 में है ना ग्रुप 2 में, हाँ मैंने इस पर्पज से उसे लिखा ही नहीं, मेरा पर्पज ये था वो हर वाइस चांसलर की टेबल में होना चाहिए, और वो होता है, AIU का वो जर्नल हर यूनिवर्सिटी में जाता है, हर लाइब्रेरी का पार्ट होता है, और उसकी रीच ज्यादा है, मेरा मकसद रीच था सर, तो मैंने वो पाया कि आज मेरा जर्नल, और जितने भी एजुकेशन वाले हैं जिनके हाथ वो जर्नल पढ़ता है, वो कहते हैं वाह सर क्या आर्टिकल है, दैट वॉज माई पर्पज, विच सॉल्व माई पर्पज। हाँ यार, लोगों तक वो पहुंचा, जो एजुकेशन, मेरा एजुकेशन फील्ड नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट की मेरी जर्नी में रही है, वो मैंने उस आर्टिकल में डाला, उसको पिरोया, एंड मेनी लर्नर्स आर टेकिंग द एडवांटेज, वो शिक्षक उनको मिल रहा है। तो देखिए, हमेशा आपका जो एम होता है पब्लिकेशन का एक नहीं रहता, इट मे बी समटाइम, इट मे बी इम्पैक्ट, कि मुझे भाई हाई इम्पैक्ट में छापना है, कभी आपका ये हो सकता है कि यार मुझे जल्दी छापना है, स्पीड, कभी हो सकता है रीच, तीसरी चीज है रीच, कितने लोगों तक आप पहुंचे, और एक पैरामीटर को पाने के लिए आपको बाकी दो पैरामीटर का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, और तैयार भी रहे उस चीज के लिए। मुझे अगर सब तक पहुंचना है, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं हाई इंपैक्ट में छपूं, कोई जरूरी नहीं कि मेरा जल्दी पेपर छपे, मुझे हाई इंपैक्ट चाहिए तो जल्दी नहीं छपेगा, है ना, हो सकता है कम लोगों तक पहुंचे, तो मतलब एक कारक अगर आपको पाना है, तो दो कारकों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है मैडम मुझे ही पूछना है, एक और सवाल पूछ लूँ क्या? सर? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, डोंट हाँ डिस्कस, जी, डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ पे जी आइए। सर, एक चीज़ ऐसा था कि अपन मल्टीडिसिप्लिनरी की जो बात हुई है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी में अपन दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके भी पेपर छाप सकते हैं क्या? यानी दो सब्जेक्ट है, सपोज बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, उसका मैंने पेपर बनाया कि इम्पैक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर इन कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स, तो हाँ ऑब्वियसली, उसको आप, मैंने यही मल्टीडिसिप्लिनरी है सर, नहीं टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं को फार्मेसी वाला हूं, मैं फार्मेसी इज डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ तो ब्रांच है, फार्माको इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, आई हैव डन माय एमबीए, मैंने एमबीए क्यों किया, मुझे तो ना कोई मतलब, एमबीए भी किया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है साहब, मैनेजर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े हमने, ऐसा है वो क्यों, क्योंकि हर जगह देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सीबीए, वो हर जगह जुड़ी भी है, फार्मा की कंपनी में अगर वो, तो कहने के अगर कॉस्ट सही नहीं है हर जगह, कॉस्ट सेविंग द कॉस्ट इज द प्रॉफिट सिंपली, सो हर जगह हम यही सिखाते हैं, तो इकोनॉमिक्स तो हर जगह जुड़ी हुई है, आप यही मैंने कहा, आप कैसे जोड़ते हैं, और जोड़ना भी लॉजिकली जोड़ना, विद रैशनैलिटी जोड़ना सर, तथ्यों के साथ जोड़ना, ठीक है, खाली जोड़ने के लिए जोड़ना नहीं है, रिसर्च ही उस बात की है, अवश्य कर सकते हैं आप, इसका क्वेश्चन सिंपल आंसर यही है कि हाँ हम जोड़ सकते हैं रैशनली एंड लॉजिकली, एंड वी मस्ट डू, ताकि हमारी रीच भी बढ़े
और लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वो आइडिया रिसर्च का फ्लोट हो। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सर देर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स बट उसका आंसर तो शायद नहीं होगा. या जस्ट मुझे अ मिनट. कहने, हाउ एडोब कैन टीचर्स यस एकेडमिक इंटीग्रिटी बी इंटीग्रेटेड इनटू एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड करिकुला? नो, एकेडमिक इंटीग्रिटी इज इटसेल्फ, देखिए एकेडमिक इंटीग्रिटी कोई एक सिलेबस नहीं है सर। मुझे लगता है कि जो, हालांकि एकेडमिक इंटीग्रिटी रिसर्च में सिलेबस, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स नाम से एक पेपर जो वो है, एक पेपर आ चुका है जो 2 क्रेडिट कोर्स का है, वो ऑलरेडी है और पीएचडी के स्टूडेंट को करना पड़ता है, बट ओनली फॉर पीएचडी। एज फार एज माई कोर्स एकेडमिक राइटिंग इज कंसर्न, इट इज ऑल टॉकिंग ऑल अबाउट दिस रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स एज वेल एज द रिसर्च राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। और जहां तक इसको इनकलकेट करने की बात है सिलेबस को, आप ये कह सकते हैं कि स्वयं से रेलेवेंट कोर्स कर लें स्टूडेंट्स तो उन तक पहुंचे। और ये एक कल्चर है सर जो मुझे डालना है, वो एक दिन का डोज लेके नहीं होगा, एक सिंगल डोज से नहीं होगा। एक एटिकेट है ना बच्चे को, मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ कि बेटा, मेरा बेटे को बोलता कि नमन, तो इसे हाँ, कहता हाँ पापा, मैंने बेटा हाँ कुछ नहीं होता, हाँ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ जी बोलना है। तो आपको रोज सिखाना पड़ेगा ना सर, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, ठीक है ना? तो आपको वो, इसीलिए मैं कहा कि जो इंटीग्रिटी है ये कल्चरल है, कि जो हमें फीड करने होते हैं ना, कूट कूट कर जो गुण भरने होते हैं, वो एक दिन में नहीं भरे जाते। ये आपकी और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को इनकलकेट करें अपने आगे आने वाले स्टूडेंट की जनरेशन में। थैंक यू। जी सर. थैंक यू। थैंक यू सर. सर यहाँ पे रुकते हैं. ठीक जी सर 1 घंटे का इनका लंच ब्रेक है. नेक्स्ट सेशन अपना 1:30 बजे रहेगा. 1:30 से 3 है, बजे तक. ओके, जी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यू कैन प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक. वी विल मीट एट 1:30. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम। अश्विनी मैडम तुमचा एक क्वेश्चन दिसला मला चॅट बॉक्स मध्ये. अश्विनी ठाकरे इस बाकी लोग लीव कर सकते हैं. ओके आई थिंक शी इज नॉट देयर. सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. वी विल मीट एट 1:30.